Is industry kind to the newcomers? Industry is not kind to the newcomers if they're outsiders. मुझे तो लग रहा है फिर negative हो जाएगा हमजा और हाला की शादी के बाद. मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता. तो उसे तो वो जाके हमजा की शादी करा रही है, आपको क्या पता. Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरी मेहमान है उनके बारे में मेरे जहन में इतनी चीज़ें आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ. शी इज़ अ ब्यूटिशियन, शी इज़ अ यूट्यूबर एंड शी इज़ एन एक्ट्रेस. लेकिन ये हमेशा होता है जब भी मैं अपने मेहमानों के बारे में पढ़ना शुरू करती हूँ तो मुझे इतनी बातें पता चलती हैं. और इस बार भी यही हुआ, जब मैंने उनकी टेड टॉक सुनी तो आई वॉज सो अमेज्ड. मुझे मालूम ही नहीं था कि उनका जर्नी इतना चैलेंजिंग और इतना ज़बरदस्त रहा है और उनके पास इतना कुछ है जिससे हम सीख सकते हैं, जिससे हम कुछ ज़िंदगी में गाइडेंस ले सकते हैं. तो आज ये इंटरव्यू शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो. हम उनकी एक्टिंग के बारे में भी बात करेंगे, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हम कुछ उनकी ज़िंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं और उन्होंने उससे क्या सीखा है उसके बारे में भी बात करेंगे. उन्होंने अपना करियर हानिया से शुरू किया था. हमने उनको ज़िबाइश, दीवानगी, धूप की दीवार, मेरे अपने में देखा है और आजकल हम उनको दोबारा और मेरे हमसफ़र में देख रहे हैं. आज मेरे साथ है ज़ोया नासिर. अस्सलाम वालेकुम ज़ोया, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, आप कैसे हो? थैंक यू फॉर हैविंग मी. नहीं, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. मुझे पता है कि आप इस वक्त 3 ड्रामों की शूट कर रही हैं, विच आई एम अमेज्ड. हाउ डू यू गाइज मैनेज? I'm a workaholic और मुझे काम करने का बहुत शौक है. I mean, अभी आज आपको पता है we were playing by ear के we have been trying to do this for a long time. So आज ये and इतनी दफ़ा and आज मेरा आखिरी दिन, आज मेरा shoot cancel हुआ basically. And I'm like, let's do this today. So I'm here. और पिछले हफ्ते ज़ोया का फ़ोन आया 7 बजे शाम के, राबिया मेरा कल का दिन ऑफ़ कर ले. मैंने कहा हेलो मैडम टाइम चाहिए. She's like, okay. मैंने कहा अच्छा मुझे ना अब मैं ऐसा करती हूँ मैं पहले से प्रिपेयर कर लेती हूँ मुझे. लेकिन इट वर्कड आउट, हमें 2 दिन मिल गए. तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपने अपना जर्नी बहुत दफ़ा बता चुकी हैं तो इसलिए मैं उस जर्नी में जाना नहीं चाह रही थी कि आप एक्टिंग में कैसे हैं. लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक रिफ्रेशर देने के लिए ऑडियंसेस को, थोड़ा सा आप खुद ही समराइज कर दें मुझे कि एक्टिंग की तरफ किस तरीके से आई आप. वेल, एक्टिंग की तरफ इस तरीके से आई क्योंकि मेरे नाना, मेरे अबू मूवीज़ बनाते थे. अबू मूवीज़ बनाते हैं भी अभी भी, वेरी सिलेक्टिव. और बचपन से मैं सेट्स पे बड़ी हुई तो मुझे बहुत शौक़ था. लाइक इट वॉज़ लिटरली इन माई ब्लड. तो मुझे बहुत शौक था कि मैं एक्टिंग करूँ. लाइक वो नहीं होता कि आप दुपट्टे ओढ़ के शीशे के आगे एक्टिंग कर रही हूँ. बचपन में ही करती थी? बचपन से करती थी. लेकिन मुझे पता था कि द एटीट्यूड फ्रॉम माई फैमिली वॉज वेरी डिस्करेजिंग, स्पेशली माई ब्रदर एंड माई डैड, कि मुझे पता था कि अच्छा मुझे ये नहीं करना. तो वो फिर उस चीज़ को मैंने सप्रेस कर दिया और मैंने फिर अपनी अम्मी की फील्ड पकड़ दी जो कि ब्यूटी की तरफ थी, ब्यूटिशियन. एंड दैट्स व्हाट आई एक्सेल्ड इन एंड दैट्स व्हाट आई वर्क्ड फॉर. फिर एक दिन आई थिंक आफ्टर डूइंग माय कॉस्मेटोलॉजी इन अमेरिका, आई वाज वर्किंग एक्चुअली क्या कहते हैं, सैब सैलून को मिला था. एंड वी वर वर्किंग डूइंग हेयर एंड मेकअप फॉर एयरवाई का फिल्म फेस्टिवल इन न्यूयॉर्क. तो वहाँ पे आई वाज जस्ट लाइक मिमिकिंग इन एवरीथिंग. एंड सोनिया जी एंड सलमान इकबाल, दे सॉ, आई थिंक दे सॉ द स्पार्क इन मी. दे लाइक तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती हो? सो दैट लाइक लिटरली लाइक वो जो होते हैं ना एकदम से जो सारे अंदर के जो थे सब कुछ अरमान वो सारे सर्फेस पे आ गए. आई एम लाइक यस आई वांट टू डू दिस एंड मे बी आई शुड आस्क फॉर परमिशन बिकॉज आई एम ओल्ड इनफ एंड आई शुड जस्ट डू इट एंड माई फैमिली शुड हैव फेथ एंड हियर आई एम एंड दे आर ऑन बोर्ड एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी. ओके, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. तो पहला आपको हानिया में चांस कैसे मिला स्क्रिप्ट का? हानिया में ऐसे मिला कि लाइक आई सेड न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल था एआरवाई का. सोनिया जी ने देखा मुझे, सलमान इकबाल साहब ने देखा. देन आई वेंट फॉर अ फ्यू मीटिंग्स एंड देन वी केम टू दिस प्रोजेक्ट व्हिच वाज अ बिट क्लोज टू माय रियल लाइफ एज वेल. एंड देन वी वर लाइक ओके शी शुड डू दिस. अच्छा, अगर मैं आपकी परफॉर्मेंस देखूँ ना ज़ोया, तो मैंने हानिया भी थोड़ा बहुत देखा है. अब मैं दोबारा मैं आपको देख रही हूँ. हाँ, मैं यही देख रही हूँ कि मुझे इतनी मार्क्ड यू नो इम्प्रूवमेंट नज़र आती है. लाइक आई फील स्पेशली दोबारा में जो मैं आपको मैसेज भी किया था एवरी थिंग, कि वो जो सीन है जब माहिर की अम्मा आके उसकी चोरी के बारे में बताती हैं, योर एक्सप्रेशंस वर सो डीप. तो ये ओवर द ईयर्स कैसे पिकअप किया, कैसे इम्प्रूव किया अपने क्राफ्ट को? I'll tell you. एक तो ये एक्सपीरियंस का काम है. आपको हमेशा ये जो आर्ट है ना, ये आपको एक्सपीरियंस से आते हैं. आपका फर्स्ट डे आपका आर्ट्स में भी होता है. आपको वो लाइनें लिखाना, सिर्फ आपको लाइनें मारना सिखाते हैं. आप सीधी सीधी लाइनें करें. आप एक हफ्ता सिर्फ यू जस्ट ड्राइंग लाइन्स, आप सिर्फ लाइन्स मार कह रहे हैं कि क्या टीचर हम लाइन्स क्यों मार रहे हैं यहाँ पे. वो लाइन्स वक्त के साथ साथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है. एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है. ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि आप बहुत बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं.
उनके सामने, आप शीशे के सामने तो मैं पूरे अच्छा से एक्टिंग कर लूंगी, लेकिन जब आपको 36 लोग देख रहे हो, आपके ऊपर इतनी लाइट्स पॉइंट आउट कर रही हूँ, वहाँ पे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी हो जाता है. अगर आपको डायरेक्टर आपसे चिढ़ जाएगा, जो आप ये सही नहीं करिए, आप इस तरीके से करें, या आपके सामने जो आपका को एक्टर है वो थोड़ा सा यूँ शक्ल बना ले. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ सपोर्टिंग टीम एज वेल, जो कि मेरे साथ थे. एंड यू हैव टू बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, कि नहीं मुझे सब कुछ नहीं आता है, मैंने बहुत कुछ सीखना है, और उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं. आपने एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी, आपने कहा था कि जो लोग नए आ रहे हैं मैं उन्हें बोलूंगी कि वो डायरेक्टली मेन रोल में नहीं जाएं. हाँ, जो जो जहाँ मेरी ये गलती थी कि मैं डायरेक्टली लीड रोल में चली गई थी. जो नए लोग आ रहे हैं, जैसे हारून कडवानी आए थे, उन्होंने हालांकि हिज डैड ओन द प्रोडक्शन हाउस, लेकिन उन्होंने साइड से शुरू किया, सीखना शुरू किया, ही डिड अ लॉट ऑफ होमवर्क. और आप जानते हैं आपकी जो डोन की दो टेलीफिल्म आई हैं, उसमें पता चलता है कि वो हाउ ही सो मच्योर एज एन एक्टर, बिकॉज उसने सीखा. ही इज अ रैंकर, अली अब्बास इज अ रैंकर. तो नो मैटर इफ यू गेट अ लीड रोल का चांस, बट इफ यू हैवन डन योर होमवर्क, मुझे लगता है कि आपको वहाँ से नहीं शुरू करना चाहिए. आई थिंक आई वुड हैव यू नो आई थिंक इट्स बेटर कि आप जो है ना एक साइड रोल से स्टार्ट करें, ताकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिले. बिकॉज लीड रोल में देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, या तो फिर आप उसको इतना ईजी लेंगे कि ओ आई एम अ लीड रोल, और आप फिर उसको सीरियसली नहीं करेंगे. ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बोली, क्योंकि ज़्यादा तो लोगों को तो यही होता है कि यार हम लीड से ही स्टार्ट करें, लीड पे ही रहें. अच्छा, फिर मेरा सवाल आपके लिए ये भी था कि पहला आपने लीड किया, लेकिन उसके बाद हमने आपको लीड में नहीं देखा, तो ये फिर क्या एक कॉन्शियस एफर्ट थी जो आपने सोचा कि नहीं जी मुझे ये प्रेशर नहीं लेना, या वो हुआ ही नहीं और उस पर डिसअपॉइंटमेंट भी होती है आपको? नहीं नहीं, इट वॉज डेफिनेटली अ कॉन्शियस एफर्ट, बिकॉज मेरा आफ्टर हानिया ना, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद ऑल दीज पीपल, और जब मैंने देखा जो उनका होमवर्क होता है, देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरी थिंग, हाउ नॉलेज, व्हाट नॉलेज दे हैव, उनको हर चीज़ का पता है, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था. उनको लाइटिंग से लेके, प्रोडक्शन से लेके, किस किस्म के प्रिंट्स पहनने हैं, कौन से डायलॉग्स बोलने हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी है. तो वो मैंने कहा कि अगर मुझे अगला लीड रोल, बिकॉज लीड रोल तो आपको दे देते हैं, बिकॉज हमारे पास इतनी एक्ट्रेसेस नहीं हैं जितने हमारे पास एक्टर्स हैं. ओके, ठीक है ना. एंड प्लस देयर इज काइंड ऑफ अ प्लस पॉइंट व्हेन यू नो पीपल इन द इंडस्ट्री, तो यू जस्ट हैव टू गो टू ऑफिस एंड आस्क फॉर लीड रोल, वो भी हो जाता है आपका. वाह, बट मतलब ये तो आपने डंके की चोट पे साफ साफ बोला, लोग तो अवॉइड करते हैं इस बात को. नहीं नहीं, कोई कहता ही नहीं है. नहीं, अगर आपको देखे, मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना था. ओके, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी फेमस, आई वांट टू बी एन एक्टर. ओके, ठीक है. तो क्या कहते हैं, एंड आई वांट टू बी अ सीरियस एक्टर. मैंने अब अगर आप देखें ना, तो मैंने हर कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंटली है. मेरा हानिया डिफरेंट था, उसके बाद ज़िबाइश मेरा कैरेक्टर नेगेटिव था, दीवानगी में मेरा इट वाज अ स्पॉइल्ड रिच गर्ल, वेरी सरफेस. उसके बाद ज़िबाइश में डीप फिलोसॉफिकल एम्बिशियस गरीब लड़की. उसके बाद मेरे अपने में एक बड़ी बहू, जिसको बस अपनी हर किस्म से उसको बस अपनी चीज़ चाहिए, टेरिटोरियल है. अभी आप मेरा दोबारा देखना, उसमें बिल्कुल ही एक वो चुलबुला सा एक कैरेक्टर है. अभी जो मेरे दो प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें आप देखेंगे. एंड दिस इज़ ऑल कॉन्शियस एफर्ट. मैंने जो एक छोटी सी एक शॉर्ट फिल्म की थी, बट वो भी हॉरर जॉनरा था. तो आई एम ट्राइंग टू टेक ऑल द जॉनरास, एंड एज एन एक्टर आई एम ट्राइंग टू ग्रो, सो दैट व्हेन दैट स्क्रिप्ट कम्स अराउंड, जब वो एक रोल मेरे पास आएगा ना, आई कैन डू इट विद ऑल द कॉन्फिडेंस, आई कैन से दिस इज माइन, बिकॉज आई वांट टू बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर इट. बिकॉज अभी अगर मैं एक लीड पकड़ूँ, या अगर मैं उससे धानी के बाद पकड़ लेती, मुझे पता होता मेरे पास ही वो कॉन्फिडेंस ना होता उस लीड को हैंडल करने का. बिकॉज व्हेन यू आर एन एक्ट्रेस, आपके साथ दो लीड्स तो होंगे, बड़े नाम होंगे. तो जब मुझे हर चीज़ का पता चल गया, अंदाज हो गया, क्योंकि मुझे नहीं था, मैं एक नई लड़की थी जो अमेरिका से आई थी, मुझे नहीं पता था कौन कौन है, क्या है क्या नहीं है. तो मैंने उस चीज़ को बहुत नॉन सीरियस लिया था, एंड आई एम एक्चुअली वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट. एंड आई एम लाइक, नहीं ऐसे नहीं, यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड. हर बंदे का वहाँ पे everybody knows what they're doing, so I want to know what I'm doing. मुझे ये बताएं, आप इतने अरसे बाहर रही हैं मुल्क से, तो एक्सेंट तो आ जाता है, राइट? लेकिन जब आप उर्दू बोलती हैं तो वो नज़र, स्पेशली ड्रामों में जब बोल रही हैं तो नहीं आता. कितनी मेहनत करनी पड़ी? नहीं, क्योंकि मैं बताती हूँ, उसके लिए मुझे बिल्कुल भी मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ी, बिकॉज आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर. 19 साल की उम्र में बाहर गई थी 8 साल के लिए, और अभी भी मैं हर 6 महीने बाद में जाती रहती हूँ. तो जब मैं वहाँ पर जाती, उर्दू तो मेरी ठीक है, लेकिन लाहौरी एक्सेंट है. यहाँ पर मुझे काम करना पड़ता है, बिकॉज लाहौरी तेज़ बोलते हैं, कराची ज़रा आहिस्ता बोलते हैं. मैं वैसे ही बहुत तेज़ बोलती हूँ, यू गाइस कैन टेल. डायरेक्टर होते हैं, सो यार डायलॉग तेज़ हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही, आहिस्ता बोलो. फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, सॉरी, आहिस्ता बोलना, आहिस्ता बोलना. और अक्सर लाहौरी हो जाते हैं. लेकिन एक अभी एक ड्रामा है जिसको मैं
जिसमें मैं लाहौरी बनी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि उसमें मैं लाहौरी, मेरा पंजाबी एक्सेंट बाहर आएगा, उसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी ना, तो गुलाबी उर्दू तो मेरी नहीं है. ओके. और इंग्लिश भी मेरी फेज इन फेज आउट होती रहती है. आप अमेरिका जाते हैं, वापस आप अमेरिकन से आप अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं, आपका वापस अमेरिकन एक्सेंट हो जाता है, आप वापस इधर आते हैं तो आपका कराची एक्सेंट हो जाता है. लाइक आई एम टेलिंग यू दिस ना, दिस हैज टू बी डन. वहाँ पे ज़्यादा या मैन आई विल बी अ लिटिल बिट लेट, यू नो, ये सारा होता है. एंड बीइंग एन एक्टर यू पिक अप ऑन दीस थिंग्स, यू पिक अप ऑन यू नो एक्सेंट्स. And I'm very good at mimicry. मैं mimicry बहुत अच्छी करती हूँ. अभी मैं पूछूँ फिर? नहीं, मैं नहीं करके दी. ये sorry, चिड़िया की आवाज़ भी निकाली थी आपने. इनका टैलेंट पता है क्या है? ये चिड़िया, ये मुझे इंट्रोडक्शन में बोलना चाहिए था, मैं भूल गई, अभी याद आया कि ये चिड़ियाओं की आवाज़ निकाल, चिड़ियों होगा ना, चिड़िया की आवाज़ निकालती है. नहीं, मैं चिड़िया की आवाज़ नहीं निकलवा रही. वो तो हो, तो हम आपसे मिमिक्री कराते हैं या आपकी, मतलब आप कॉपी करेंगे किसी को, राइट? हाँ जी. किसका नाम लूँ मैं? नहीं, किसी का नहीं नाम. पता है क्या, अक्सर ना मैंने देखा है कि बाकी लोग बात में माइंड कर जाते हैं, बहुत माइंड कर जाते हैं. आप क्यों चाहती हैं कि कोई मेरा दुश्मन बने? तो जोया, इस वक्त चैलेंज क्या है आपका एज एन एक्ट्रेस, जिन्होंने क्या 2 साल पहले 2019 में आपने स्टार्ट किया, तो व्हाट डू यू फील कि आपको क्या फेस करना पड़ता है? माय बिगेस्ट चैलेंज इज जो आपकी लॉबीज बनी हुई है ना, उनको बीट करना. बिकॉज जो आपकी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं या जो आपके बहुत अच्छे जो रोल्स हैं फिल्म्स हैं, या यू नो देर इज़ अ लॉट ऑफ फेवरेटिज्म इन द इंडस्ट्री. एंड इवन दो माई डैड सारों को लगता है कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, आई एम नॉट. मेरा पूरा ड्रामा इंडस्ट्री से उनका कोई ताल्लुक नहीं है. ही इज़ नॉट इन टच विद इट एंड ही हैड नथिंग टू डू विद वेयर आई एम. नॉट दैट ही इज़ नॉट सपोर्टिव, ही इज़. लेकिन ये सब कुछ मैंने खुद किया है. बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे पे बहुत मेहरबानी भी की है, दे हैव बीन वेरी ग्रेट टू मी, वेरी इनकरेजिंग. लेकिन द बिगेस्ट चैलेंज इज़ टू डिफीट द लॉबी. यहाँ पे फेवरेटिज्म बहुत है, यहाँ पे लॉबी बहुत है, एंड आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी लॉबी. तो जो भी अभी तक मेरे पास आया है वो मेरी अपनी मेहनत से आया है या मेरे अपने टैलेंट की वजह से मुझे याद किया गया है. तो आगे जाके इसको कैसे? आई थिंक आप वही बात है कि मैं आई जस्ट वॉन्ट बी गुड एक्टर, आई वॉन्ट इम्प्रूव एवरी डे. कि फिर कोई लॉबी रह ना जाए. जैसे आई गिव एन एग्जाम्पल, हेबा बुखारी, शी डजंट कम फ्रॉम एनी लॉबी. वो कहीं से नहीं आई, वो बस आई और वो बस छा गई माशाल्लाह से. एंड शी इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर. कि वो किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है. लेकिन आपके फादर तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बहुत फिल्में लिखी हैं, अभी मौला जट भी उन्होंने लिखी हुई है. सो आई थॉट कि आसान होगा थोड़ा सा आपके लिए, लोग जानते होंगे. तो देखिए, ये मेरी फैमिली में है नहीं ऐसा, क्योंकि माय अबू तो अपनी तरफ से रिटायर हो गए थे जब मौला जट का जो आया था. उन्होंने कहा कि हमने दोबारा बनानी है. उनको बड़ी मुश्किलों से हमने थोड़ा कन्विंस किया था कि अबू कर लें, कुछ नहीं होता. इज लाइक, नहीं बेटा, आई एम 85. ओ माय गॉड, मैंने अबू की एज बता दी, सॉरी अबू, आप तो 18 साल के हैं. बट वो बट ही वॉज एक्साइटेड टू राइट इट अगेन. उनका कि एक जो चीज़ मैंने बना दी उसको दोबारा से बनाना, एक चीज़ करना. बट वो बिकॉज वो पुराने ख्याल आते हैं, पुराने तरीके से लिखते हैं. लेकिन बिलाल अशारी स्टेप्ड इन एंड उन्होंने एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बना के खड़ा किया, और अबू ने उसका इंटीरियर करना था बेसिकली. तो दोनों ने मिलजुल के काम किया और अबू ने अपने आप को अपग्रेड किया. But he's not in touch with anything. So how can he help me? Because this is a completely different industry from what it was. Apart from people who have stayed in it, जैसे जावेद शेख साहब आपके हो गए, या नौमान इजाज साहब हो गए, फैसल कुरैशी हो गए, जास्तम हो गए, वो तब से अब तक हैं. अबू नहीं थे, अबू ने छोड़ दिया था. ओके. सो दैट्स वाई. किसी ने आपसे कहा कि आपका चेहरा लीड एक्ट्रेस वाला नहीं है? हाँ, बहुत से लोगों ने कहा. बहुत से लोगों ने? आई थॉट कि एक ही किसी ने बोला है. तो क्या शौक लगा, और हाउ डू यू हैंडल दिस? नहीं, मुझे शौक इस तरह लगा बिकॉज व्हाट इज लीड एक्टर, पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आई इस कमेंट की. इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या इस किस्म की बातें होती है इंडस्ट्री में. देखिए, मैं बताती हूँ. आफ्टर हानिया, इवन हानिया के आप यूट्यूब कॉमेंट्स में देखने, सबने कहा कि बहुत मोटी लड़की है, इसकी हीरोइन वाली शक्ल नहीं है. एक दफ़ा जब मैं अमेरिका की ट्रिप से टैन होके आई थी, तो आई वॉज कम्प्लीटली साइन फॉर दिस प्लेयर. उन्होंने कहा कि आपने आपको क्या किया, आपने आपको प्ले था, ड्रामा था. हाँ, प्ले था. उन्होंने कहा कि हम आपको वाइटनिंग इंजेक्शन ऑफर करेंगे ऑन द हाउस, लेकिन ये हमें ये रंगत नहीं चाहिए. मैंने कहा है सॉरी सर, ये क्या हो गया आपको? तो वट इज़ हीरोइन आपके? आज हमारे नॉर्म्स क्यों हैं? क्यों हमारी हीरोइन मोटी क्यों नहीं? एक मोटी लड़की की कोई स्टोरी नहीं हो सकती. मोटे होना कोई बुरी बात नहीं है. काले होना बदसूरती की अलामत नहीं है. बिकॉज मुझे याद है कि मैंने एक छोटी सी एक सीरीज़ करनी थी, और उसमें मुझे दिखाया था कि वो लड़की अपने आप को खूबसूरत समझती, लेकिन असल में वो बदशकल है. बट व्हाट इज़ बदशकल? बदशकल ब्यूटी इज़ अ परसेप्शन, एंड सो इज़ अगलीनेस. आप मेरे लिए खूबसूरत हैं, किसी और के लिए आप बदसूरत हैं. ठीक है ना? किसी और को आपका रंग पसंद है. मेरी बहन का रिश्ता ही उसकी कॉफ़ी कलर की रंगत पर आया था. ठीक है ना? तो मैंने कहा कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट वोक, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अनफेयर. तो उन्होंने कहा बदसूरत दिखाना. मैंने कहा मैं अपना मुंह धो के आ जाऊँ कि मैं काली बेस नहीं लगाऊंगी.
ठीक है ना, मैंने कहा फॉर मी दिस इज आई एम सॉरी सर, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ माई वे और द हाईवे, मैंने कहा देन आई टेक द हाईवे एंड आई वॉक आउट. सो आई वॉक आउट, मैंने कहा क्योंकि मैं अपनी हाउ विल आई फेस पीपल, मैं तो इस बात की वकालत ही नहीं करती. इसी तरह मेरी अम्मी ने आज तक अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चेंज की, हालांकि वो डिसॉल्व हो गई है. क्योंकि अम्मी ने कहा बेटा जिन मैं लोगों के लिए जाके टॉक शोज में लड़ी हूँ, मैं उनको छोड़ के मैं एक दूसरी पार्टी में नहीं जा सकती. तो इसी तरह आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अ पर्सन हु डजंट स्टैंड फॉर एनी थिंग फॉल्स फॉर एवरी थिंग. सो आई थिंक मुझे अपने ईमान को, मुझे अपने रूल्स को बहुत पुख्ता लेके चलना पड़ेगा, वरना आई विल बी लॉस्ट. तो मुझे जिन लोगों ने कहा कि मेरा चेहरा लीड रोल वाला नहीं है, तो मैंने कहा डिफाइन लीड रोल. स्टोरी किसी की भी हो सकती है, स्टोरी एक मोटी लड़की की हो सकती है, स्टोरी एक बच्चे का लड़की की हो सकती है, बट हु इज़ डिफाइनिंग दैट, हु इज़ डिफाइनिंग कि हीरोइन कौन है, हु इज़ डिफाइनिंग कि हमें गोरा रंग पसंद है या हमें काला रंग पसंद है, या हमें मोटापा पसंद है या हमें पतला होना पसंद है, या हमें लंबी हाइट पसंद है या हमें छोटी हाइट पसंद है, हु इज़ डिफाइनिंग दैट. तो मैं देख रही हूँ कि आपको एक लेवल पे नहीं, काफ़ी लेवल पे चैलेंजेस हैं. मतलब लोग ये भी बोल रहे हैं कि हालांकि माशाल्लाह से यू सो गुड लुकिंग, कभी कभी मैं ये उससे लंबी भी हूँ. ओह अच्छा, ये मसला भी होता है. ये मसला भी इसको फिर कैसे हल करते हैं? इसको नहीं हल कर सकते. तो वो भी हाईवे चले जाते हैं आप? नहीं नहीं, अभी उसका ऐसा वो उस जगह तक आया नहीं, उसमें बस ये था कि हम जस्ट वेयरिंग फ्लैट्स थ्रू आउट. ओके, बट मुझे ये हो रहा है कि चैलेंज ये भी है कि फेवरेटिज्म को भी आप फेस कर रही हैं. स्क्रिप्ट्स वो वाले जो आप कहती हैं कि सपोर्टिंग रोल ही हो, बेशक मेन नहीं हो, लेकिन उसमें मटेरियल हो, वो नहीं आ पा रहे हैं. प्लस इस तरह की बातें भी सुनने को मिल रही हैं. तो ये आपके साथ साथ और दूसरे लोगों को भी फेस करना पड़े, तो आप लोग कैसे हैंडल करते हैं मेंटली इसको? व्हाट्स द प्रोसेस? देखिए एक बात बताओ, ये सिर्फ हमारे इंडस्ट्री के प्रोफेशन में नहीं होता, दिस इज इन एवरी प्रोफेशन. लेकिन लुक्स, अपीयरेंस, हाँ, उस पे जो एंड आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करें, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट सबसे ज्यादा इसी इंडस्ट्री में, राइट? बिल्कुल. आप कॉर्पोरेट जॉब या पॉलिटिक्स में चले जाएं तो नहीं, या किस आर्मी पे डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के, यहाँ पे आपके पेरेंट्स को ज्यादा स्क्रूटिनाइज किया जाता है, आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा, स्पेशली इंस्टाग्राम में, ठीक है ना. बट आई थिंक यू हैव टू यू नो कॉन्सेंट्रेट ऑन द लव दैट यू गेटिंग. अगर मेरी 100 कमेंट्स में से 2 कमेंट्स बुरी हैं जिसमें मुझे कहा है ओ ये सही नहीं है, ये वो सही नहीं है, मैं उस पर क्यों फिक्सेट करूँ? मैं उस जो बाकी की जो 98 कमेंट्स हैं जिसमें सबने मेरी तारीफ की है, या जो मेरे, मैं ये क्यों ना, मैं उस पर क्यों ना फिक्सेट करूँ, मैं उसको क्यों ना टेंशन दूँ, मैं प्यार की तरफ या पॉजिटिविटी को क्यों ना टेंशन दूँ? क्योंकि वही लव या पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी को क्या कहते हैं उसे बढ़ाती है. लेकिन मैं इसकी नहीं, मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूं. इंडस्ट्री से रिएक्शन, यू हैव टू ग्रो थिक स्किन, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड. अगर आपके मुंह पे आपको कोई कह रहा है कि आपको चेहरा हिलाने वाला नहीं है, यू हैव टू होल्ड योर ग्राउंड एंड यू हैव टू, अगर आप वहां पे कैसे जाएंगे अगर आपको खुद नहीं, मैं ये नहीं कह रही आप एरोगेंट हो जाए, बट इफ यू डोंट थिंक दैट यू हैव इट इन यू, देन यू विल नेवर बी, यू नेवर गेट एनीवेयर. अगर आप नहीं समझेंगे अपने आप को कि मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ, या मैं एक स्टार बन सकता हूँ, या मैं एक लीड एक्टर बन सकता हूँ, अगर आपके अंदर खुद वो कॉन्फिडेंस या फेथ नहीं आएगा, या अगर आपको, आप उसको इस दिन के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो आप वहाँ पर कभी नहीं पहुँचेंगे. ओके, सो यू हैव टू ग्रो वेरी थिंग. जब मुझे भी कोई कहता है आई एम नॉट फेस्ड एट ऑल, बिकॉज आफ्टर लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट विच वॉज एन अनकॉन्शियस चॉइस, आई एम टेलिंग यू, वी वर हैविंग, हम एक टेबल पे थे, बहुत बड़ी कास्ट सारी बैठी हुई थी जिस प्रोजेक्ट का मैं अभी हिस्सा हूँ. वहाँ पे डायरेक्टर भी थे, वहाँ पे एक्ट्रेस भी थे, और वहाँ पे एक एक्टर ने मेरी तारीफ करना शुरू की बिकॉज इज़ एन अदर प्रोजेक्ट विद मी, और उन्होंने कहा कि ज़ोया ने ये किया वो किया, इनका बड़ा अच्छा प्रोमो. तो मेरे साथ एक बैठी थी और उन्होंने मेरा मुँह मोड़ा और उन्होंने बहुत ऊँची आवाज़ में कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारा तो मुँह बहुत पतला हो गया है, तुम तो बहुत बुरी लग रही हो, तुम तो मरीज़ लग रही हो, तुम्हारे तो चेहरे की जो है फ्रेशनेस चली गई है, ये तुमने क्या किया. उनके उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता है कि मेरे साथ अगर ऐसा ड्रास्टिक वेट लूज हुआ है उसके पीछे की क्या स्टोरी है. वो कोई बीमारी हो सकती है, वो कोई यू नो कुछ भी हो सकता है, वरना इतना ड्रास्टिक वेट लूज नहीं हो सकता, एंड इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग टू से. लेकिन उन्होंने इतना ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू किया इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टर, शी वाज ट्राइंग टू सैबोटेज इट, ठीक है ना. वो हर एक के कान में डालना चाह रही थी कि ये तो नहीं अच्छा लग रहा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतने बड़े आर्टिस्ट की टेबल में वो जीरो करने की कोशिश कर रही थी. And I was not faced. आप देखें कि कैसे कैसे आपके पास एक्टर्स हैं जो कैसे कैसे चैलेंजेस से जाते हैं. मैं जब उनके चैलेंजेस देखती हूँ तो मैं कहती हूँ I've had it very easy. I count my blessings, not my shortcomings. Like अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह I'm so blessed कि I have to be like मैं कौन सा प्रोजेक्ट करूँ और किसको छोड़ूँ. पहले होता था या अल्लाह को प्रोजेक्ट मिल जाए, यू नो. हानिया के बाद I had to wait 6 months. Wow. 6 months. जब मुझे दीवानगी मिला ना, and it was a blessing because वहाँ पर मुझे पता चला कि क्या थी मैं, क्या समझ रही थी मैं अपने आप को, और मैं क्या हूँ अब, यू नो. तो 6 महीने कैसे गुजारे थे? वो 6 महीने मैंने रो रो के गुजारे थे. आई नो, आप तो लीड के बाद एकदम से गायब हो जाए, कुछ नहीं आ रहा, तो एकदम से खामोशी थी. इंडस्ट्री के बारे में क्या 3 चीज़ें आपने डिस्कवर की जो आप
सोचती थी वैसा हुआ या जो नहीं सोचती थी वैसा हो गया? इंडस्ट्री के बारे में जो मैंने, इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल. ओके, आपका यहाँ पे पल में, माशा पल में, तो बोला एक मिनट पे आपको लगेगा ये बंदा आपका सगा है, एंड देन दैट पर्सन कैन जस्ट टर्न देयर बैक अराउंड ऑन यू बिकॉज चढ़ते सूरज को सलाम है. तीसरी चीज़ मैंने देखी है कि अ लॉट ऑफ जेन्युइन पीपल आर फोर्स टू नॉट बी देयर सेल्व्स. There's so many good people in the industry just because of how it is molded. या आपको वो जो रख रखाव रखना पड़ता है, जो आप कह रहे pretentiousness है, उसका आपको पार्ट बनना पड़ता है. Okay. और बहुत से बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो ये ना करते हुए भी इतने बड़ी मकाम पर आ चुके हैं. So kudos to them. ये आप लर्न करते हैं. एंड नेवर टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, वरना अगले दिन वो आपके हाथ से छिन जाता है. मैं बड़ी सारी कि ओह यू नो आई गॉट दिस प्रोजेक्ट, एंड देन अगले दिन वो किसी और को हो गया. मैंने कहा मैं तो इस बंदे को बताया था, ये बंदा वो प्रोजेक्ट कर रहा होता है. सॉरी, आई कैन नॉट. हम बीप बीप डाल देंगे. इज इंडस्ट्री काइंड टू द न्यू कमर्स? इंडस्ट्री इज नॉट काइंड टू द न्यू कमर्स इफ दे आर आउटसाइडर्स. दे आर नॉट, एंड आई फील फॉर दैट. मैंने अपना स्पेशली इवन दी अ लॉट ऑफ देम एक्टिंग वाइज जो रैंकर्स हैं ना, दे आर, जैसे कि आपके कोई जो होते हैं ना, जो आपके छोटे रोल्स कर रहे होते हैं, नर्स बना होता है, कोई दोस्त बना होता है, अगर उसने एक बड़े एक्टर के आगे नर्स बना, उसकी तो ट्रे काम पूरी होगी, राइट? एंड देन वो एक्टर अगर हो जाए ना, चढ़ जाए कि क्या है यार, वो और बेचारा नर्वस हो जाएगा. तो मैंने देखा स्पेशली अली अब्बास को, मैंने देखा वो कहेगा कि आप कितनी क्यूट लग रही हैं, वो एक्टर नर्वस होगा ना तो आप कहेंगे कितना आप अच्छा काम कर रही हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं. बिकॉज आई थिंक मे बी ही हैज़ बीन देयर, ही हैज़ बीन अ रैंकर हिमसेल्फ. सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट. मैंने कहा क्या मैं ऐसी नहीं बनूंगी, यू नो. सो ये मैंने सीखा कि इंडस्ट्री इज नॉट नाइस टू द न्यू कमर्स द वे दे आर ट्रीटेड. नॉट एवरीबडी, बट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज नॉट नाइस टू द न्यू कमर्स. बट आई वॉज अ न्यू कमर, पीपल वर नाइस टू मी, अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो अबाउट माई बैकग्राउंड, एंड दे आर स्टिल नाइस टू मी. जब ड्रामा चला हानिया, तो फैन रिएक्शन क्या था? लोगों ने पहचाना? हाँ, बहुत मज़ा आया. मुझे कोई किस्सा सुनाएं. इट वॉज हाँ, मैं मुझे याद है कि I had a panic attack, one of the worst ones, and मेरी अम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके गई क्योंकि मैं ख़त्म नहीं हो रहा था वो. और वहाँ पे एक आंटी थी व्हील चेयर में, और वो काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने मुझे, शी टॉक टू मी लाइक आई वाज हानिया की थी, मेरा बच्चा हानिया तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी. और मेरे सर पे पप्पी की, उन्होंने मुझे दुआएँ दी, एंड शी कॉल्ड मी हानिया थ्रू आउट की तरह सब बड़े जुर्म. आई थिंक उनको डिमेंशिया था या कुछ था, आई डोंट नो, बट दैट लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन मी सो हार्ड कि ओके ये एक्ट्रेस का इम्पैक्ट होता है या नहीं होता. और अक्सर ना लोग मुझे लाइक आफ्टर मेरे अपने, आप ऐसे क्यों हैं, आप ऐसा क्यों करती हैं, आपने अच्छा नहीं किया. मैंने कहा मैंने नहीं किया, मेरे कैरेक्टर ने किया, क्या हो गया. और बहुत दफ़ा लोग ना मुझे मिस्टेक भी करते थे, मैंने वो पहना हुआ था, मास्क पहना हुआ था. एक आंटी, आपके साथ हम पिक्चर ले लें? मैंने कहा जी, मैंने मास्क उतार भी दिया, पिक्चर भी ले ली. कहती है आपने ना बेरुखी में बहुत अच्छा काम किया. मुझे हिबा बुखारी से, मैंने कहा आंटी मेरे मेरी पिक्चर वापस करें प्लीज़. ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है. बट आई थिंक द मोस्ट रिकग्निशन दैट आई वुड गेट द क्रेजी वन, क्योंकि देखिए हमारी जो ऑडियंस है वो ज़रा बड़ी उम्र के लोग ड्रामा देखते हैं. बट बींग फ्रेंड्स विद शावीर एंड धूर्फ क्रू एंड जैद एंड पीपल, वो जो छोटे हैं ना बच्चे, वो तो नहीं एक दफ़ा भी सोचेंगे कि ओ हम इसके पास जाएं, इसको हेलो करें कि नहीं करें. छोटे बच्चे तो आ जाते हैं. तो उसकी बहुत क्रेजी फैन फॉलोइंग थी. मैंने कहा शावीर, आई एम नेवर स्टेपिंग आउट विद यू अगेन, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, मैं तुम्हारी फोटोग्राफर बन जाऊँ. और अभी मैं कहीं जाऊँ ना, शावीर नहीं आए हैं, वो कब आएंगे. मैंने कहा कि आप जाएँ यहाँ से, प्लीज आप जाएँ यहाँ से. तो ये उसकी, ही इज़ वन ऑफ दी नॉन एक्टर्स जिसकी मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह स्टार पावर है, बहुत स्टार पावर, उनको लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत उसको फॉलो करते हैं भाई, घर के बाहर आ जाते हैं. तो शावीर से कैसे मुलाकात हुई? जैद से, शावीर से? शावीर से मेरी मुलाकात हुई थी थ्रू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वॉज फ्रॉम लाहौर. अच्छा. वो यहाँ पे आए हुए थे शादी के लिए, हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड उसकी शादी के लिए आए हुए थे, एंड देन लेटर वी डिसाइडेड टू जस्ट हैव डिनर एट हिज होटल रूम. तो वहाँ पे शावीर भी आया हुआ था, एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स. और पहले मैंने कहा वो इतना, बिकॉज वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है कुछ, मैंने कहा ये शावीर है, ये तो बात ही नहीं करता. लोया क्योंकि मेरी भतीजी उसकी बहुत बड़ी फैन है, तो हमारे तो घर में लगा रहता था ना जैद और शावीर और ये वो. और हमें भी बहुत, वो तो एडल्ट्स को भी हंसाते थे, वेरी फनी. और जो व्लॉग्स में आते हैं ना, दैट्स नथिंग दैट हैपेंस बिहाइंड द कैमरा. तब ज़्यादा वो व्लॉग कैमरा लेट निकलते, पहले हमारे मजाक शुरू होते, फिर शावीर निकालते नीचे से कैमरा. बट तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे फनी शावीर को डिस्कवर किया? आई एम वेरी फनी. मैं खुद बहुत, मैं अपने जोक्स पे खुद ही हंसना शुरू हो जाता हूँ. ठीक है ना, तो वहाँ से उसको लगा कि अच्छा ठीक है ना, वेरी वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वेरी कंफर्टेबल ना, वो निकाल लेता था मैं और शुरू हो जाती थी एंटरटेन करने के लिए. सो आई थिंक वी जस्ट आफ्टर व्हाइल वी जस्ट क्लिक्ड, मैं उसे छेड़ना शुरू हो गई थी. ये सारे जो यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ आपने किया है कोई ना कोई वीडियो किया है या कुछ ना कुछ छोटा मोटा रील्स या इंस्टा दोस्ती है,
इनसे आपने कुछ पिक किया, इनसे क्या सीखा? इनसे मैंने ये सीखा कि ओ माई गॉड, ये अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कंटेंट क्रिएटर, एडीज, एडिटर्स खुद हैं, एंड दिस इज अ वेरी हार्ड जॉब. सुबह उठते हैं, कंटेंट बनाते हैं, उसके बाद उसे प्रोग्राम करते हैं, फिर सबको इकट्ठा करते हैं. आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द व्लॉग, अगर उन्होंने कोई स्किट वगैरह करना हो, बट बाद में उन्होंने बैठना होता है, अच्छा मैंने कल रिलीज करना है, मैंने इसे एडिट करना है, और बेचारे बैठे हुए एडिट पे, बैठे हुए एडिट पे. इट्स अ वेरी टफ जॉब. हमें लगता नहीं कि ओ एक्टर्स को लगता है कि ओ ये यूट्यूबर्स हैं, ये कहाँ से आ गए. नहीं, एक्टर्स और यूट्यूबर्स में बहुत है ये. अच्छा, कि कहाँ से आ गए, उन्होंने क्यों चांस मिल रहे हैं अपना, मैं तो भी अपना यूट्यूब चैनल खोल लूँ, मैं भी खुद कर लूँ. बट मैंने कहा कि ट्रस्ट मी, देयर जॉब इज नॉट ईजी, मेहनत करते हैं बिल्कुल. एंड इट्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टैलेंट टू जस्ट मेक एवरीबडी लव, जस्ट लाइक दैट फॉल इन लव विद योर लाइफ. हमारे एक्ट्रेस ने भी खोल दी यूट्यूब चैनल. मेरा तो लास्ट ईयर आया था. आई एम नॉट अ यूट्यूबर एट ऑल. जो मैंने शुरू भी किया था, इट वॉज मोर अबाउट ब्यूटी एंड दिस एंड दैट. और वो भी इसलिए क्योंकि मैं लाहौर में स्टक थी, क्वारंटीन की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए थे मेरे. तो एंड आई वॉज लिविंग विद यूट्यूबर्स, तो मुझे शाविर ने कहा कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट. तो मैंने स्टार्ट किया था, बट नहीं भाई मैं नहीं कर सकती. यू गिव अप. आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, बट आई कैन नॉट डू इट. नहीं नहीं, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत परसिस्टेंस आपको चाहिए, पेशेंस चाहिए. आपके पास तो आते हैं ना, आपके पास एडीज आते हैं, आप स्टेप पढ़ते हैं, फिर आपको एडीज बताते हैं मैडम आपने ये पहना, आपने ये करना, फिर आपके पास लाइटिंग हो रही है, तो उन्होंने लाइटिंग भी खुद करनी है, ये सब कुछ. ओह माय गॉड, एडिटिंग खुद करनी है मेरी, और उसके बाद सारी इनसे कमेंट्स भी भुगतो. हां ओ. अच्छा, थोड़े से अब सीरियस टॉपिक्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है. आपकी डाइवोर्स हुई हुई है. जी बिल्कुल. सो आई डोंट वांट टू गो इनटू कि क्या हुआ, कैसे हुआ. वेल लेट मी टेल यू समथिंग, इट वाज अरेंज्ड एंड इट वाज व्हेन आई वाज 19. ये मैं बताना इसलिए चाह रही हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन मेरे माँ बाप ने एक परफेक्ट रिश्ता ढूंढा था, एक परफेक्ट, एक बैकग्राउंड रिसर्च भी की थी, लेकिन हमें लगता है कि जो रिश्ता बाहर से है वो बहुत अच्छा होगा, बहुत सब कुछ बनेगा. बट आई थिंक मैं 19 साल की थी, एक तो मैं 2 साल पीछे भी थी पढ़ाई में. तो आई वॉज स्टिल डूइंग माई ए लेवल्स के, मैं रिजल्ट का वेट कर रही थी. तो आई थिंक मैं बहुत बच्ची थी क्योंकि मैं बचपन से शेल्टर्ड चाइल्ड थी, आई एम द यंगेस्ट. तो मैं खुद भी जिस उम्र में लड़के 19 साल में स्मार्ट होती नहीं थी, एवरी डिसीजन वॉज मेड फॉर मी. ठीक है ना, अगर मुझे मेरा भाई डांटता था कि जो आइए तुमने गलत किया, या वो कहते तो तुमने गलत किया, तो मैं कहती थी हाँ भाई मेरी गलती है, मैं तो बच्ची हूँ. ठीक है ना. तो आई थिंक लड़कियाँ जो हैं, जो बीवियाँ हैं, वो पार्टनर्स होती हैं, वो बच्चियाँ नहीं होती हैं हस्बैंड की. बिल्कुल. तो जब मेरी शादी हुई, ही वॉज 8 years ओल्डर देन मी, एंड आई थिंक इट टेक्स टू टू टैंगो. मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल गलत थी, लेकिन मैं एक बड़ी, मैं बड़ी ही नहीं हुई, मेरा आंगन बहुत छोटा था. तो अगर मुझे कोई कहता था ना कि ये तुमने गलत किया, तो मुझे लगता था मैंने गलत किया है. हालांकि हो सकता है मैंने गलत ना किया होता, मुझे वो संभालना ही नहीं आया. मेरा आंगन बहुत छोटा था. तो मैं कहती हूँ कि जस्ट एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आप जाएँ, आप अपनी बेटियों को पढ़ाई तो दे रहे हैं, लेकिन बाद में आप उन्हें घर क्यों बिठा रहे हैं. आप जाएँ, आप उन्हें रियल वर्ल्ड में भेजें, आप उनको जॉब दिलवाएं, ताकि उन्हें पता चले वो डिफरेंट लोगों से मिले. मैं तो मेरी जो दुनिया थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और मेरे माँ बाप थे, और मेरे कजन्स थे. उसके बाहर मैं लोगों को जानती नहीं थी. मुझे सैलून में जाके सलाम नहीं करना आता था, मुझे अपने ससुराल वालों से मिलना नहीं आता था. मुझे लगता था कि अगर मुझे ज़रा सी बात पर उनसे डांट पड़ जाती थी, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत गलत हूँ. मुझे अपने लिए स्टैंड लेना नहीं आता था, जो कि मेरी बहन को आता था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चियों की शादी ना करें विदाउट एक्सपोजर. आप जाएं, थ्रो देम इन द रियल वर्ल्ड, ताकि उन्हें पता चले, उन्हें अपनी वैल्यू पता चले, उन्हें अपनी वर्थ पता चले, ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ उनकी कंप्लीट पार्टनर बने. एक दूसरे के, मैं आई बिलीव इन इक्विटी, कि आप एक दूसरे की कमियां पूरी करते हैं. बिल्कुल. यू कैन नॉट बी इक्वल टू अ मैन बिकॉज यू आर नॉट अ मैन, यू आर अ वुमन. अ मैन कैन नॉट बी इक्वल टू अ वुमन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि औरत मर्द से छोटी हो गई, या मर्द औरत से बड़ा हो गया, या मर्द औरत से छोटा हो गया. हमारे दोनों डिफरेंट दुनिया में, हम रोल्स के लिए पैदा हुए हैं, और उन रोल्स को हमने पार्टनर्स बन के इकट्ठा करना है, एक दूसरे की कमियों को पूरा करना है. और वो हम कैसे करेंगे, जब हम एक दूसरे को समझेंगे एक पार्टनर की तरह. ऐसे नहीं कि एक मियाँ जो है वो अपनी बीवी को बच्ची समझ रहा है, और वो बीवी वाकई में बच्ची है, क्योंकि वो तो अभी पढ़ाई करके निकली है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़कियाँ जॉब करें, या आप उनका एक्सपोजर बढ़ाएं. वरना लड़कियों को होता है ना कि बेटों को बाहर जाने की इजाज़त मिल रही होती है दोस्तों के साथ. आप लड़कियों को भी, अपनी बेटियों को भी वही ट्रस्ट दें कि वो भी इतने ही बजे घर आएँ, लेकिन आप उनको सही और गलत की पहचान बताएं कि बेटा ये सही है, ये गलत है, अब जाओ मेक योर चॉइस. ताकि हमें, हम पैदा तो सही और गलत की सेंस लेके हुए हैं ना, तो आप उनकी तरबियत करें, बजाय इसके कि मैं पाबंदी लगा दूं अपनी बेटी पे कि तुम बाहर नहीं निकल सकती, और मेरा बेटा हर जगह जा रहा है, तो मेरी बेटी तो मेरे खिलाफ हो जाएगी, वो तो रिबेलियस हो जाएगी. और अगर उसका कोई एक्सपोजर नहीं होगा, लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे. कोई उसे कॉल करके उसे बुद्धू बना सकता है, उसको लोग बहुत जल्दी धोखा दे सकेंगे, क्योंकि उसने तो दुनिया को एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा. लेकिन एक लड़की जिसने हर किस्म के इंसान से डील किया हुआ है, उसको पता होगा कि ये झूठ बोल रहा है. शी वुड बी एबल टू सी राइट थ्रू देम, शी विल बी लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मेरा आंगन बहुत छोटा था,
एंड आफ्टर दैट जब मेरी डिवोर्स हुई उसके बाद अम्मी को भी ये रियलाइज हुआ, मेरे भाई को भी रियलाइज हुआ कि इसका आंगन बहुत छोटा है, इसका हराइजन एक्सपेंड करना है. तो दैट्स व्हाई दे सेंट मी, उन्होंने मेरे अपने कहते कि बेटा हम हैं, यू कैन फॉल बैक ऑन अस, लेकिन जाओ अपनी मिस्टेक्स बनाओ, अपने ओन पे रहो, अपना अपना कमाओ, हम तो हैं लेकिन तुम्हें असल दुनिया की ज़रूरत है क्योंकि तुम बहुत शेल्टर्ड हो. Okay. और मैंने देखा कि बहुत सी बच्ची हैं जो मेरे से बहुत छोटी हैं और उनके अंदर बहुत अकल है क्योंकि उन्होंने बहुत सी छोटी सी उम्र में दुनिया देखी है. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करो, उनको कॉन्फिडेंस दो, उनको सही और गलत का जो आप कॉन्फिडेंस अपने बेटे को दे रहे हैं वही आप अपनी बेटी को दें और कहेंगे बेटा ये दोनों को बिठा के बताएं कि ये गलत है ये सही है, अब आपने जो करना है आप करो. मैंने जब जोया की टेड टॉक सुनी थी तो मुझे तभी से मेरे जहन में ये ख्याल आया था क्योंकि आजकल अगर आप हमारे इंटरव्यूज़ देख रहे हैं तो हम बहुत डिफरेंट टाइप की कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं और आज हम इसी टॉपिक जो डाइवोर्स है उससे हम रिलेटेड बात करेंगे बिकॉज जोया एक बहुत यंग एज में इससे गुजरी हैं और सो मे बी वो हमें वो चीज़ें बता सकें जो हम सब जो बहुत सी लड़कियाँ उसको उसे एज अ गाइडेंस रिलेट कर सकती हैं, उससे गाइडेंस ले सकती हैं. जोया डाइवोर्स कैसे चेंज करती है आपको, डज इट चेंज यू? यस इट डज, इट डज, क्योंकि देखिए मैं लाइक आई सेड मैं एक बच्ची थी, 19 साल से भी छोटी उम्र की मेरी सोच थी और मैं वाकई में क्योंकि मैं ऐसी सोसाइटी में बड़ी हुई थी कि सारे कहते थे अच्छा गलती हुई है बिकॉज पीपल ऑलवेज ब्लेम द वुमेन. तो मुझे याद है मेरी एक टीचर थी, शी वॉज डिवोर्स एंड आई वुड बी लाइक हाँ इन्हीं की गलती होगी ना बिकॉज और मुझे लगता था कि डिवोर्स वॉज माई बिगेस्ट नाइटमेयर, मेरी सबसे बड़ी जो मेरा फियर था ना दुनिया का कि ओ माय गॉड मेरे पे डिवोर्स का ढब्बा ना लगे. और वही हुआ. एंड व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. मैंने कहा अब तो हो गई ना बिकॉज आई कुडंट लिव विद हिम, तो आई डिसाइडेड टू जस्ट पार्ट वेज. और मेरा भाई भी एवरीबॉडी वाज कंसर्न्ड कि बेटा बस निभा लो, बस एक दफ़ा चला लो. और उस एक दफ़ा चलाने के चक्कर में थिंग्स गॉट इवन वर्स क्योंकि लोग क्या कहेंगे लड़की की डिवोर्स हुई है, लोग क्या कहेंगे 3 महीने के अंदर, ये 1 साल के अंदर, तो लोग क्या कहेंगे कि चक्कर में वो कौन है लोग जो कहेंगे, आर दे पेइंग माई बिल्स, आर दे देयर व्हेन आई एम सिक. वो तो आते हैं खाना खाते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है ना. तो मैंने कहा कौन लोग हैं जो क्या कहेंगे और कहाँ हैं वो लोग, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे. उसके बाद जब मेरी जो सेपरेशन हुई थी मैं घर आई तो बहुत से लोग थे दूर के रिलेटिव्स कह लें वो आते थे और मैं जिंदा लाश लगती थी तब. लेकिन वो कहते थे आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, उनको पता है सब कुछ, ठीक है ना, चस्के लेने के लिए आते थे, आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, आप तो बड़ी फ्रेश लग रही हैं, आपके हस्बैंड कहाँ हैं, वो भी आए हैं, वो भी आपके साथ यहाँ पे शिफ्ट हो, मैंने सुना आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए. पीपल आर दैट क्रूअल बट देवर नाइस पीपल एज वेल, जो जिनसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, देवर देर एवरी डे फॉर मी, गिविंग मी लेसन्स, मुझे इनकरेज कर रहे हैं कि चलो उठो जोया आज यहाँ चलें, चलो जोया उठो ये करें, चलो वापस पढ़ाई शुरू करो, ये करो वो करो, यहाँ से भी ऐसे बहुत से लोग थे. तो मुझे ये लेसन लर्न करने को मिला था. बट आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट, आज मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मुझे मना करते हैं कि व्हाई डू यू टेल दैट यू आर डिवोर्स, व्हाई डू यू डू दिस, व्हाई डू यू डू दैट. मैंने कहा व्हाई कैन नॉट आई टेल दैट. कोई भी बच्ची होंगी जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा होगा और अगर वो मेरी बात सुन सकती हैं तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि इफ़ यू वांट गेट डिवोर्स्ड इट्स फाइन, इफ़ यू आर डिवोर्स्ड उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फाइन. ये आपको लेबल नहीं करती, इस्लाम में इसे बुरा समझा है, इसलिए क्या क्यों बुरा समझा है, नापसंद किया है लेकिन मना तो नहीं किया ना, गुनाह तो नहीं है ना. नापसंद इसलिए किया कि निभाने की कोशिश करो कि हो सकता है कि एक बच्ची इतनी ना अनरीजनेबल हो कि अच्छा मेरी फेवरेट जगह पे मुझे नहीं लेने जा रहे तलाक. समझ रहे हैं, बिकॉज मैरिज इज अ सीरियस कमिटमेंट, तो थोड़ा तो आप उसमें एफर्ट डालो ना. लेकिन जब बिल्कुल भी नहीं निभ रही है तो ठीक है, पार्ट वेज. एक जिंदा लाश होने से बेहतर या खुदकुशी से बेहतर या किसी मर्डर से बेहतर एक डिवोर्स है. एंड नाउ आई एम वेरी ग्लैड वेयर आई एम एंड आई डोंट थिंक कि मेरा रिग्रेट था जिंदगी का. मैं पेरेंट्स को इन टू गिल्ट समा, मैंने कहा आप लोग मेरी बुराई तो नहीं सोच रहे थे, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिश्ता पसंद किया था लेकिन नहीं भी तो इट्स फाइन. एंड मुझे लगता है कि अगर मुझे वो एक्सपोजर ना मिलता ना तो मैं आज यहाँ ना होती. बट दैट एक्सपीरियंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ. बट डाइवोर्स इंसान को कैसे चेंज करती है, आपको क्या चेंज किया आपके अंदर? मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया इमोशनली. क्योंकि कहते हैं दो तीन दुख होते हैं उनमें से एक मौत होती है जिससे आप बहुत मुश्किल से रिकवर करते हैं, एक डाइवोर्स भी होती है जिससे आप बहुत मुश्किल से रिकवर करते हैं. तो दैट्स व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो लोग मतलब हाउ डज इट चेंज यू. देखिए मेरा डिवोर्स मेरे लिए ना उस तरीके से आई थिंक आई वॉज टू नाइव एंड टू यंग टू अंडरस्टैंड द लेबल ऑफ डिवोर्स एज वेल. वो तो मुझे लोगों के सलूक से पता चला ना, या जो मेरा अपना फियर था जब मैंने कहा ना मैं नहीं कर सकती, मेरे हाथ पैर कांपते थे एंड इट्स समथिंग दैट आई डोंट इवन रिमेंबर. मैं इतनी उस चीज़ को लेके आपके लिए नंब हो गई हूँ, दैट इज सो इजी फॉर मी टू टॉक अबाउट इट. आई एम नॉट इवन गेटिंग इमोशनल. आई थिंक आप रिकवर कर चुकी हैं बहुत बहुत अच्छे तरीके से. बट इट टुक मी लॉन्ग टाइम नॉट टू रिकवर फ्रॉम द डिवोर्स इट्सेल्फ बट टू रिकवर फ्रॉम हाउ पीपल ट्रीटेड मी.
Okay. The journey after it was more difficult than the divorce itself. जो उसके बाद का सफर था, जो लोग कर रहे थे मेरे साथ, वो ज़्यादा difficult था recover करना उससे, तब divorce से ज़्यादा. Okay. आप अपने एक्सपीरियंस से बेस्ड क्या कहेंगी लड़कियों को कि रिलेशनशिप में दो तीन चीज़ें क्या वो नोट करें जिसकी बेसिस पे वो डिसाइड कर सकती हैं, अगर यू नो वो खुश नहीं है और सोच रही हैं या कन्फ्यूज्ड हैं, तो क्या दो तीन रेड फ्लैग्स या दो तीन चीज़ें ऐसी हो जिसको आप उनको एडवाइस करेंगी, अगर ये हो रही हैं तो दैट मीन्स यू माइट वांट टू थिंक कि ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं चलेगी, इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगी. एक तो जो भी कहे ना कि मैरिज इज अ कॉम्प्रोमाइज, उसको तो आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें. देन बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि आप जो है वो घर बैठे हैं, ये करें वो करें. बहुत से लोगों की चॉइस होती है, मेरी बहन सीए है, यहाँ पे सलोन चलाती थी, बहुत कामयाब थी, लेकिन उसकी पर्सनल चॉइस थी कि उसने घर बैठ के उसने चार बच्चे किए, शी इज अ हाउस वाइफ एंड शी इज हैप्पी. उसकी पर्सनल चॉइस थी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. आपने डॉक्टरी किया, आपने घर बैठना, आप बैठे, बट नोबडी शुड एक्सपेक्ट यू टू डू दैट. ये कुरान में भी है कि आप जो हैं आप अपनी बीवी को जिस वो जगह से आए उसी जगह की आप उसे आसाइशें दें. उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो सास ससुर को बैठ के रोटियां बना के दे या ये करे या वो करे. हाँ ठीक है, शौहर मिजाजी खुदा है आपका, मिजाजी खुदा है आपका. आपको एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट देनी है. लेकिन हम जो कहते हैं ना कि हम बहू लेके आए ताकि वो रोटियां बनाए, नो ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए ताकि आपको खुद दिल करे कि अब मैंने रोटियां बनानी है. मेरी बहन जितनी भी सेवा करती है, जितनी भी उनकी करती है, मेरी अम्मी ने सारी ज़िंदगी की है, अबू की, अबू ससुराल की, बिकॉज वो उनमें हार्मनी बहुत थी. उनमें वो बेटे, उन्होंने वाकई में उन्हें बेटी समझा तो उन्होंने बेटियों वाला वो सलूक किया. समझ रहे कि आपको मोटिवेशन देनी चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए. आई थिंक इट शुड बी अ पर्सनल चॉइस. आपका एक सोने का पिंजरा बना के आपको ना दें. तो अगर एक बंदा कह रहा है कि मैरिज शुड बी कॉम्प्रोमाइज, आई थिंक मैरिज इज अ रिलेशनशिप दैट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल हु हेल्प ईच अदर ग्रो. ठीक है, दैट्स व्हाट मैरिज इज इन माय आईज. बिल्कुल, दैट्स व्हाट पार्टनरशिप इज इन माय आईज. दूसरा रेड फ्लैग ये होगा, रेड फ्लैग का मुझे वैसे खुद भी नहीं पता, आई एम स्टिल लर्निंग एज आई गो, लेकिन दैट्स द फर्स्ट रेड फ्लैग. अगर क्योंकि आई थिंक मैं खुद उसके अलावा और क्या रेड फ्लैग नहीं, उसके अलावा और क्या चीजें आप फील करते हैं, या शुड बी ओपन ओपन एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन. There should be no hiding. Trust and honesty. Second thing has to be a part of it. अगर मैं इधर बैठी हूँ और मेरा पार्टनर कहीं और है, और if I cannot trust him और मैं देख रही हूँ कि पापा कहाँ है, वो I don't think that's a very toxic relationship. ये नहीं होना चाहिए. अगले बंदे के भी स्पेस थे, आप खुद भी स्पेस लें. आपको खुद भी मी टाइम होना चाहिए, आपकी अपनी मेके का टाइम होना चाहिए, आपके अपने जॉब का फ्रेंड्स होने चाहिए, आपके पर्सनल फ्रेंड्स होने चाहिए. उसमें आप अपने हस्बैंड को भी शामिल करें, लेकिन हस्बैंड की भी एक अलग लाइफ. आई थिंक डिस्टेंस मेक्स द हार्ट्स ग्रो क्लोजर. अगर आप हमेशा इकट्ठे रहेंगे तो आई थिंक फिर लड़ाइयाँ भी होंगी. मुझे इस पर बहुत बैकलैश भी मिल सकता है कहने पे, बट इट्स द ट्रूथ, इट्स व्हाट आई हैव लर्न्ड. मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाए, हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो ये तो फिर आपके हस्बैंड की बात हो रही है. यूजली होता है डाइवोर्स दी जाती है औरतों को, मोस्ट केसेस में वो नहीं लेना चाहती. आप वो थी जिन्होंने कहा कि मुझे डाइवोर्स चाहिए. क्यूरोसिटी भी होती है, ये सवाल भी है मेरा, जब आप खुद ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे चाहिए, तो क्या वो उसमें किस किस्म का इमोशनल ट्रॉमा होता है, और क्या चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए? आई डोंट थिंक देयर वाज एनी ट्रॉमा. आई मीन आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए. इट्स नॉट आई मेरे देखिए मेरे दिल में कोई मलाल नहीं रह गया कि मैंने ट्राई नहीं की. मैंने आखिरी हद तक आई ट्राइड टू मेक इट वर्क. अगर मेरे अंदर ये गिल्ट होता ना कि ओ मैंने ट्राई नहीं किया और मैं बस भाग गई, नहीं ऐसी बात नहीं है. आई ट्राइड टिल दी एंड. और जब मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आया, जब मैंने कहा कि ओके दिस कैन नॉट वर्क, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है या मैं गलत हूँ, इट टेक्स टू टू टैंगो. लेकिन जब मैंने देख लिया कि अच्छा ठीक है अब ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं चल सकती, एंड मैंने लाइक लिटरली अम्मी मानी भाई, मेरे जो भाई हैं मेरे, उन्होंने कहा बेटा इट्स नॉट अ जोक, डिवोर्स नॉट अ जोक, चलाओ. और आखिरी हद तक मैंने चलाने की कोशिश की. इससे मेरे दिल में वो सेटिस्फैक्शन है कि देखें मैंने अल्लाह की भी सुनी, मैंने माँ बाप की भी सुनी, मैंने बहन भाइयों की भी सुनी, और अब ये नहीं हो रहा है. तो जो I think that was the point where I took control of my life. Okay. And that felt very empowering. लेकिन कभी मतलब उस वक्त ये फियर होता था कि क्या मैं गलत डिसीजन कर रही हूँ कहीं. Every step of the way you have देखे आपको अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करना पड़ता है. अगर आपने एक तरक्की करनी है, देखे एक बेचारा चूजा है वो अंडे से बाहर निकलता है शेल को ब्रेक करके, उसे क्या पता बाहर क्या है, ठीक है ना. बट उसे ये पता है कि मैंने ये जो चीज़ है जो मुझे फिलहाल जिसमें मैं सफोकेट हो रहा हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है. तो उससे जो मैंने देखा कि ये जो शेल है जो जिसमें मैं सफोकेट कर रही हूँ ना, मैंने इस शेल से बाहर निकलना है, ये था मुझे. और जब मैं उस शेल से बाहर निकली, मुझे सांस आई, मैंने दुनिया देखी, फिर मैं एक और शेल में चली गई,
जो कि थी कि लोग क्या कहेंगे, जजमेंटल शेल. मैंने उस शेल को तोड़ा, मैंने अपनी पीपल प्लीजिंग की आदत को तोड़ा. इट टेक्स अ लॉट ऑफ शेल्स, हमें बहुत सी शेल से बाहर आना पड़ता है. वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ अ, इफ़ यू वांट टू ग्रो, हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना ही आना. दैट्स अ सेइंग फॉर अ रीज़न. मेरा जो जो चीज़ जो मेरी हार्ट बीट तेज नहीं करेगी, मुझे नर्वस नहीं करेगी, देन इट्स नॉट वर्थ इट. आप किसी गिल्ट को लेकर ना चले. आप अपनी, मैं ये नहीं कह रही कि जस्ट गेट डिवोर्स्ड, गेट डिवोर्स्ड नो. आपने बहुत अच्छा बोला. मैंने कहा कि मैंने एंड तक उस चीज को ट्राई किया, मैंने निभाने की कोशिश की. इट कुड हैव टर्न्ड आउट टू बी अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बट इट डिडंट. आई ट्राइड, बट आई कैन नॉट हेल्प एनीथिंग दैट डजंट वांट टू बी हेल्प. यू कैन नॉट हेल्प एनीबॉडी हु डजंट वांट टू बी हेल्प्ड. एंड ये नहीं है कि मुझे शुरू दिन से ही डिवोर्स चाहिए थी. नो, मेरा दिल घबराता था कि हाय नहीं, मैं नहीं चाहती, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए. लेकिन मैं उस हेल में भी नहीं रह सकती थी जो हम दोनों के लिए थी. उसके लिए भी थी, उसके उसके साथ भी नाइंसाफी थी. बिल्कुल, ही डिडंट डिजर्व टू बी इन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप ईदर. ठीक है ना? तो आई थिंक मैंने हम दोनों की बेहतरी की तरफ ही एक स्टेप उठाया था. ही इज हैप्पीली मैरिड, ही हैज किड्स, एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम, एंड आई थिंक आई एम हैप्पी, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट ही इज हैप्पी फॉर मी. तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको निभाते रहते तो हम दोनों मिजरेबल रहते. जो लड़कियां इस वक्त इस स्टेज पे खड़ी हैं और सोच रही हैं, निभाएं, आप अपनी एंड तक निभाएं, लेकिन जब आपको कोई रास्ता एंड पे नजर ना आए, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन होल्डिंग योर सेल्फ इन प्रायोरिटी, दैट डजंट मेक यू सेल्फिश. लेकिन निभाएं, अल्लाह ताला ने भी कहा कि निभाएं, एंड तक निभाएं. लेकिन उनको किन तीन चार चीजों के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए जो आप उनको बैकलैश, दुनिया जज करेगी, लोग क्या कहेंगे, इन चीज़ों के लिए आप रहें, लेकिन आपने बेचारी नहीं बनना. यू आर नॉट अ बेचारी. गेट अप, टेक अ शावर, गो फाइंड अ करियर, गो डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी. ये करें, जस्ट मूव ऑन, बेचारी नहीं बनना. ओके, आप फैमिली और फ्रेंड्स को क्या एडवाइस करेंगी कि जब किसी लड़की की डाइवोर्स हो रही है या हो गई है तो वो किस तरीके से सपोर्ट करें? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे इस मामले में. नहीं, आप मतलब जो लोग सुन रहे हैं हमें इस वक्त, आप उनको क्या एडवाइस करेंगी जो आसपास है? इसमें वो सारे लोग हो जाएंगे ना, जो लोग क्या कहेंगे बन जाते हैं. हाँ, देखिए, उनको एक तो जो जो बंदा इस चीज़ से गुजर रहा है, आई थिंक उनको ये नहीं कहना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे. बिल्कुल भी आप उन्हें, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ये बच्ची थोड़ा रश कर रही है या ये लड़का थोड़ा रश कर रहा है इस चीज़ को या किसी बेबुनियाद चीज़ पे कर रहा है, इनको अकल की ज़रूरत है, आप समझाएं उन्हें कि देखो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों पर आपको डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए, इस हद तक आपको बात नहीं पहुँचानी चाहिए. आप एंड तक कोशिश करें कि मसला चल जाए, बट अगर बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक हो जाए तो फिर उसको मजबूर ना करें. समझ रहे हैं? लेकिन आफ्टर दैट हाउ कैन फैमिली एंड फ्रेंड्स सपोर्ट अ गर्ल? दे कैन सपोर्ट हर बाय मेकिंग हर करियर, बाय डिस्ट्रैक्टिंग हर फ्रॉम द डिवोर्स, बाय नॉट लेटिंग हर नो के दुनिया क्या कहेगी. बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है. आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू इग्नोर के कुछ हो गया तो हो गया, इट्स फाइन, जस्ट मूव ऑन, नॉर्मल करें उसको. बिल्कुल नॉर्मल करें, कुछ शोक का माहौल बनाने की जरूरत नहीं, कुछ ये करने की जरूरत नहीं. टॉक अबाउट इट, इट्स फाइन. हम थेरेपिस्ट से तो बात नहीं करते ना. फेस यू, देखिए जो ग्रीविंग पीरियड होता है या आप यू कैन टर्न अराउंड इट. यस, यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू पीयर्स थ्रू द ग्रीविंग पीरियड. ट्रू, देयर इज नो वे अराउंड इट. वो दुख तो आपने गुजरना ही गुजरना है, गुजरना ही गुजरना, और उसको उससे आपको बचा नहीं सकता, उससे तो आपको गुजरना पड़ेगा. सिर्फ थोड़ा सा माँ बाप बहन भाई कंफर्ट स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रॉन्ग करें, मोटिवेट, हाथ पकड़ के उसमें से गुजार सकते हैं. आपको क्या अकेले नहीं? बिल्कुल, क्या आप अकेले नहीं हो? हम है ना बेटा, कहाँ हमारे नहीं गए, हम भी हैं, हम साथ हैं आपके, लोगों के साथ. आप ये देखें कि लोगों के साथ इससे बुरा क्या कुछ नहीं हो सक हो चुका है दुनिया में, क्या कुछ नहीं हो रहा. आप ये देखें, काउंट योर ब्लेसिंग्स, यू वर बॉर्न अ ह्यूमन बीइंग, यू वर बॉर्न विद, यू नो, सारी अपनी ब्लेसिंग्स देखें आप. जब आप छोटी थी तो बुलिंग भी बहुत ज़्यादा आपने फेस की, बहुत ज़्यादा. जब एक इंसान इस बुलिंग से गुजरता है तो क्या एक चीज़ सबसे ज़्यादा डैमेज करती है आपकी पर्सनैलिटी को? लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा, दैट यू आर नॉट वर्थ एनीथिंग. मेरी कोई ओपिनियन बताने से मुझे डर लगता था, अगर मुझे किसी चीज़ का आंसर पता होता तो मैं हाथ तक नहीं खड़ा कर सकती थी. जस्ट इट फेल्ट लाइक यू जस्ट नॉट वर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग. आई वाज अशेम्ड ऑफ माय फैमिली. अगर मैं कहती थी ना कि अगर मेरे आसपास लड़कियां बातें कर रही हैं कि ओ मेरी फेवरेट मूवी ये है, मेरी फेवरेट मूवी वो है, तो मैं कहती थी ओ मेरी भी फेवरेट मूवी ये है, जस्ट टू गेट इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप. मैं कभी ना वो नहीं कह सकती थी अच्छा मुझे तो ये मूवी नहीं पसंद, अपनी ओपिनियन नहीं मैं दे सकती थी. और मैं हर जगह शामिल होने की कोशिश करती थी कि कोई तो एक्सेप्ट कर ले. इतनी मेरी लो सेल्फ एस्टीम थी, इतनी मुझे पीपल प्लीजिंग की आदत थी कि आई वॉज बर्निंग माई सेल्फ आउट. एंड
उस चीज़ से मुझे जब मैं वापस पाकिस्तान आई, मेरे दो फ्रेंड्स बने थे कपल एंड दे सॉ राइट थ्रू मी, उन्होंने शीशा दिखाए थे लाइक के जोया यू हैव अ पीपल प्लीजिंग हैबिट, तुम किसी को ना नहीं करते, यू बर्न योर सेल्फ आउट, यू कैन नॉट बी ऑल द, यू कैन बी एट ऑल द प्लेसेज, नॉट एवरीबडी कैन लाइक यू. हमेशा दुनिया में लोग होंगे जो आपसे नफरत करते हैं, हमेशा दुनिया में लोग होंगे जो आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो आपसे नफरत करते हैं आपने उन्हें कोई रीज़न नहीं दिया नफरत करने के लिए, तो वो उनका मामला है, वो आपका मामला नहीं है, तो बी ओके विद इट. आप हुजूर पाक तो नहीं हो ना, उनसे भी अल्लाह माफ़ी दे, लेकिन बहुत से लोग होंगे दुनिया में जो आपसे डिसएग्री करते हैं, आपके लाइफ स्टाइल से डिसएग्री करते हैं, जो आपकी आपको शायद प्यार नहीं समझते हैं, या आपको खूबसूरत नहीं समझते हैं, या आपको बदसूरत नहीं समझते हैं. बहुत से लोग होंगे विद डिफरेंट ओपिनियंस, यू हैव टू बी ओके विद इट. लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वो लोग चूज़ करने पड़ेंगे जिनकी ओपिनियन तुम्हारे लिए मैटर करती है, और वो तुम्हारे लिए मैटर करते हैं. नॉट एवरीबडी अराउंड द कॉर्नर इज़ योर फ्रेंड, देयर ओपिनियन डजंट मैटर. उनको किस लिए खुश करें अपने माँ बाप को घर अकेला छोड़ के, वॉट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट. तो उस चीज़ से मुझे निकलना पड़ा था, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. तो अम्मी अब्बू को नहीं आइडिया हुआ कि क्या हो रहा है, उन्होंने कभी चेंज करने की कोशिश नहीं की स्कूल? नहीं, अम्मी अब्बू को नहीं आइडिया था, बिल्कुल भी नहीं था. ओके, बट अगर आप पेरेंट्स को, जो बच्चा बुली होता है ना वो बताता नहीं है. आई नो, इसीलिए मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस, अगर आपको लगता है कि आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस हो रहे थे जो जिनको आप याद करके अभी माँ बाप को एडवाइस कर सकती हैं कि अगर आप अपने बच्चों में ये चीज़ें देखें तो इसका मतलब है कि शायद बुलिंग जैसी कोई चीज़ हो रही हो, कुछ आप एडवाइस कर सकती हैं, कुछ शेयर कर सकती हैं? देखिए, साइंस जो माँ बाप देख सकें. साइंस टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम पे मेरी पूरी फैमिली इतना स्ट्रगल कर रही थी, एज अ फैमिली वी वर स्ट्रगलिंग बिकॉज माई डैड वॉज अ ब्रेड विनर. अब वो फिल्म बनाते थे और एकदम से लॉलीवुड डूब गया था जब मेरी बुलिंग शुरू हुई थी, व्हेन आई वाज इन सिक्स्थ सेवन्थ ग्रेड, जब लड़कियों को अकल आई थी कि ओ इसका बाप तो मूवीज बनाता है और ये वो, इंडस्ट्री वॉज गोइंग डाउन हिल. तो माई मॉम स्टेप्ड अप, माई ब्रदर वॉज यंग, ही वॉज वर्किंग एंड देन पढ़ाई भी कर रहे थे साथ साथ, अम्मी को बिजनेस में हेल्प भी कर रहे थे, अब्बू को भी हेल्प कर रहे थे. उस वक्त हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में थी कि कुछ हमें देखने की वो रही नहीं थी. हालांकि जो मेरे तीन बड़े भाई हैं वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, देवर रेज वेल, उनका रेज वेरी वेल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह माय मॉम वाज देयर फॉर मी एज वेल. बट द बुलिंग पार्ट वाज मिस्ड आउट बिकॉज मैं भी कुछ चुप रहती थी. मेरी बहन ने बहुत अच्छे से हैंडल किया था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ 3 साल का वक्फा है, 2.5 साल का वक्फा है, लेकिन मेरी बहन कभी नहीं बुली हुई. मैं हुई थी, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई वाज द यंगेस्ट, आई वाज मोर, आई डोंट नो कि क्या था इसमें. मुझे इतना पता है कि इसमें मेरे माँ बाप की गलती नहीं है, दे वर ट्राइंग टू एंड मेक एंड मेट, मेरी पूरी फैमिली एक टीम की तरह लगी हुई थी. मे बी बिकॉज मैं बहुत हसास हूँ, आई एम प्रीटी मच इन टच विद माई इमोशंस, लाइक मैं आई कैन क्राई ऑन कमांड, सो मे बी दैट्स व्हाई बुलिंग ने मुझ पर ज़्यादा असर किया. मैं चुप रहने वाली बच्ची थी तो मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती थी अपने आप को, अब मैं उसका अपोजिट हूँ. लेकिन ये था मेरे अंदर शुरू से, पीपल प्लीजिंग की आदत चली जाती है या हमेशा रहती है कहीं ना कहीं रहती है. और जो बंदा ज़्यादा आपको प्रेशराइज करता है ना, उसको आप ज़्यादा प्लीज करने की कोशिश करते हैं, दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू. जिसके साथ आपका कंफर्ट लेवल है ना, उसके साथ यू योरसेल्फ. ओके, मैं जितना आपका पढ़ रही थी, सुन रही थी, मुझे जो आपका जर्नी लग रहा है ना सोया, वो लाइक आई फील दैट आप कोई चीज़ ढूंढ रही थी, यू नो, आप डाइवोर्स के बाद वापस आए, फिर आप यूएस चली गई, वहाँ आप काफ़ी सेटल्ड थी, बट आप पाकिस्तान वापस आ गई, यू नो, यू आर नॉट कम्प्लीटली हैप्पी, यू आर सेटल्ड लेकिन आप खुश नहीं थी, आप पाकिस्तान वापस आई, अम्मी के साथ क्या तब भी यू आर नॉट पीसफुल, राइट? फिर आपने एक्टिंग की तरफ आ गई, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड ऑल अलोंग. देखिए, क्योंकि वो तो मैं अपने साथ एक ज़बरदस्ती करी थी ना, मैंने सैलॉन किया, मैंने कर लिया, बट आई वॉज लिविंग इन दिस 9 to 5 की एक रूटीन जिससे मैं हैप्पी नहीं थी. देर वॉज अ वर्ड इन माई हार्ट बिकॉज मुझे वो करना ही नहीं था. तो जब न्यूयॉर्क में ही आके आपको ARY के मालिक कह रही हैं कि जी आप ये करें, तो मैंने कहा दिस इज़ अ साइन फ्रॉम गॉड बाय. तो मैंने फ्लाइट की टिकट कटा और मैंने कहा मैं तो ये कर रही हूँ भाई. तो जब मैंने वो किया ना, आई फेल्ट सो हैप्पी. हालांकि मजदूरी है 18 घंटे की, ऐसी ऐसी लोकेशंस होती हैं, मच्छर काट रहे होते हैं, मक्खियाँ काट रही होती हैं, आपके पास साफ बाथरूम्स नहीं होते हैं, आपकी बिल्कुल सोशल लाइफ तबाह हो जाती है. आप कुछ ख़रीद भी रहे होते हैं तो आप ये सोच रहे होते हैं कि ये TV पे अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा. तो बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मैं जितने सीन्स करती हूँ उतना मुझे अच्छा फील होता है, बिकॉज आई लव एक्टिंग. यू गेट टू लिव अ डिफरेंट कैरेक्टर एवरी डे, यू गेट टू वर्क विद सो मेनी डिफरेंट पीपल, इट्स जस्ट अमेजिंग, आई लव इट. सो एक्टिंग ने हेल्प किया आपको? Acting gave to recover everything. All this pain, oh my God, and acting lost is, job feel kar rahi thi sab acting, kuch. I don't feel lost anymore at all. Alhamdulillah, in this city, I have found amazing friends.
amazing friends. I've been blessed with an amazing understanding family. हमारे बीच में जो differences थे वो भी दूर हो गए हैं. And I've been blessed with the best job that I could have asked for. And I really count my blessings. कैसे help करती है acting आपको? मुझे बड़ा interesting लग रहा था, because I could see कि अब जोया मुझे कहीं लग रही है, पहुंच गई है, you know. मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था कि किस तरह acting gave you that direction. हालांकि सलोन में भी देखिए, सलोन में काफ़ी पैसा है, and there was like I was very good at it. लेकिन सब लोग ना करो, why are you leaving this, you will never be able to do this, और acting में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पता नहीं इतनी सीरियल शुरू करोगी. और मैं मुझे बड़ा डर था कि इतनी लेट उम्र में मैं शुरू करने जा रही हूँ, यू नो, करूँ कि ना करूँ. मतलब कि इतना बड़ा था कि ओह क्या करूँ. देन आई एम लाइक आई हैव टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ. You know, I have to get out of this fear. देखा जाएगा. एक चीज तो करूँ, मतलब मैं डेथ बेड पे सोच चुकी कि मैंने ये क्यों नहीं किया. You know, इतना एक्सट्रीम. हाँ, इतना एक्सट्रीम. लाइक मेरी जिंदगी की जितनी भी बड़ी डिसीजंस थी ना, जो जिनसे मुझे डर लगा था, वो सबसे अच्छी साबित हुई. एक खुला मैंने जो लिया था वो, एक अमेरिका से वापस मूव होके आना इधर, और एक सैलून से छोड़ के एक्टिंग बिजनेस में जाना, ये मेरी सबसे अच्छी जिंदगी की डिसीजन थी, और ये सबसे ज्यादा डरावनी डिसीजन थी. और वो भी वो थी जो लोग बोलेंगे नहीं भाई क्यों क्यों, अरे निका क्यों एक्टिंग में क्यों जा रही हो, क्यों अमेरिका से वापस क्यों आ रही हो, एग्जैक्टली, हाँ क्यों खुला क्यों ले रही हो. जब लोग कहें ना क्यों, तो फिर आपको आपको कहना हाँ यूं ही होगा. वो सो खुला पे हम नहीं कह रहे, प्लीज अदरवाइज. इसको नीचे आपको डिस्क्लेमर बार बार चलाना पड़ेगा. चलाना. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस एंड एनी गर्ल हु इज इन माय सिचुएशन, नॉट फॉर एवरीबॉडी. या वो इन लोग गलत मतलब ले लेते हैं, तो वी डोंट वांट टू. देखिए, जहाँ पे मैंने कहा गलत मतलब, आपकी बात कोई भी ले सकता है. दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल, दिस इज देयर फॉल्ट. आप एक अच्छी बात कर रहे हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, अगर लोग उसको, आपके दिल में तो अच्छा ही है ना, आप तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन अगर लोगों ने उसे बुरे तरीके से ले लिया है, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोगों की प्रॉब्लम है. गुड जोया, ये मैं बताना चाह रही हूं. हुसन परस्त हैं आप बहुत, सुना है मैंने, सही सुना है. देखिए, एक किसी और फॉर्म में, आई लाइक ब्यूटी अराउंड मी. आई थिंक इसको मेरे स्टार कहने जो कहने, बट आई लाइक प्रीटी थिंग्स अराउंड मी. मुझे एक मुझे प्यारी जगहें पसंद है. तो इमोशनल है, हुसन परस्त है, और एम्पैथी भी बहुत है. बहुत ज़्यादा. ये तीन चीज़ें कैसे इंटरेक्ट करती हैं, स्पेशली बीइंग इमोशनल एंड बी हैविंग एम्पैथी. तो मुझे लगता है फिर तो आप बहुत जज्बाती, मतलब आपके दिल तो हर वक्त आधा टाइम तो आप स्ट्रगल करती रहती होंगी चीज़ों के साथ. रोने वाले सीन्स होते हैं ना, उसके बाद कट के बाद भी मेरा रोना कट नहीं होता है. मतलब कि आप ये सुन लेना, इतनी एम्पैथी है, यहाँ तक चली जाती है. मुश्किल है ना. मैं मुझे याद है कि मैंने छोटी सी थी, मैं स्कूल से वापस आ रही थी, मैंने झोंपड़पट्टी में एक बच्चे को रहते हुए देखा, मेरा इतना रोना निकला. आई वॉज क्राइंग माई आई बॉल्स आउट. लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ एम्पैथी. जो बीच में आफ्टर टू कोप विद माई डिवोर्स, जैसे आपका सिस्टम शट डाउन होता है ना, कंप्यूटर जब आपका ओवर हीट हो जाता है तो वो शट डाउन हो जाता है. तो 5 साल मेरा सिस्टम इमोशनल शट डाउन रहा था. तो जो मेरे पहले हानिया के डायरेक्टर थे ना, वो उन्होंने खुलवाया था, कहते बेटा इफ यू वांट टू बी एन एक्टर यू नीड टू बी इन टच विद योर इमोशंस. तो वो उन्होंने ना, वो फिर मेरे पूरे नल और मेरे दरवाजे खुलवाए थे इमोशनल के. कासिम कभी थेरेपी या काउंसलिंग की या उसका सोचा? अच्छा, ओके, थेरेपी गई थी मैं. बिल्कुल. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इफ यू आई मीन, उस पे भी बड़ा टैबू समझा जाता है ना. आई डोंट थिंक थेरेपी वर्क फॉर मी. आई मीन, फॉर पीपल जिनके लिए काम करती है करे, बट मेरे लिए थेरेपी, आई रादर टॉक टू माई फ्रेंड्स. ओके. I'd rather talk to my friends than go to a person that I don't know and they're charging me for it. I don't know. ठीक है. अब्बू से आप काफी close हैं? मैं अब्बू से बहुत. कैसे spoil करते थे? मैंने कुछ कहानियाँ बड़े मजे की सुनी हुई हैं कि अब्बू वापस आते थे और आप बैठ जाती थी मुझे गाड़ी में चक्कर लगाओ. हाँ, देखिए मेरे 3 बड़े बड़े भाई हैं और मेरे अब्बू हैं, और वो सारे अब्बू मुझे आप करके बात करते हैं. मेरे भाई सब, किसी ने आज तक तू तड़ा करके बात नहीं की, किसी ने ऊँची आवाज़ में हाथ नहीं, ऊँची आवाज़ में लाइक बात नहीं की. तो जब मेरे डायरेक्टर ने मुझे डांटा ना थोड़ा सा कि जोया आप ये क्या कर रही हैं, तो मैंने रोना शुरू कर दिया. वो कहते वो अपने गिल्ट में चले गए, कहते मैंने ऐसा क्या किया. कासिम तो दोस्त है, मैं अच्छा, नाम नहीं लूंगी मैं. अच्छा, ओके, ठीक है. लेकिन तो वो मैं इतना रोना, मैंने रोना शुरू कर दिया कि ये क्या, क्योंकि मैंने कभी किसी मर्द को इस तरीके से मेरे से बात करते हुए सुना नहीं है. तो क्या कहते हैं, आई थिंक इस मामले में मैं बहुत हसास हूँ. तो अबू से मैं बहुत क्लोज हूँ कि रात को उठ के मैं कहूँगी ना अबू सो रही हूँ, मैं उठाऊंगी अबू मैंने मैकडॉनल्ड्स खाना है, तो जाके ना लाके देना जब हम अभी तक नहीं होती. नहीं, अब तो नहीं है. हाँ, वो मैंने कहा अभी तक तो. अब तो मैं उन्हें ड्राइव पे लेके जाती हूँ. That's so nice. अब वो क्या कहते हैं, बिकॉज वो लाहौर में होते हैं, मुझसे दूर होते हैं, तो जब आते हैं तो उन्होंने कहा मुझे जोया मुझे मैंने सुना तुमने नहीं कार ली, मुझे फिर सैर पर लेके जाओ. ओह क्यूट. तो मैं उन्हें सैर पर लेके गई. अब वो मेरे बच्चे बन गए. आप बता भी दें अपने अबू के बारे में, ताकि जिन लोगों को नहीं आइडिया कि वो कौन है. अबू जो हैं वो फिल्म राइटर हैं, उन्होंने 500 से ज़्यादा मूवीज लिखी हैं. उन्होंने पुरानी वाली और ये जो नई रिलीज होगी वो मौला जट लिखी है, और उन्होंने घायल लिखी है इंडिया की,
और इतना काफ़ी है, नाम भी बता दें। नासिर अदीब। मैं यही बता दें कि मुझे नासिर साहब फिलहाल ये मेरी पहचान है। अब तो लोग उनको ये भी कहते होंगे नहीं, जोया के अब्बू जा रहे हैं। नहीं, नहीं? उनको ये नहीं कहते, उन्होंने सारे मुझे उनकी बेटी कहते हैं। चलें ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा अबू ने कहा था, कहते बेटा ये अगर आप इस इंडस्ट्री में जा रही है ना तो मैंने ये सुनना है। इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह हो जाए। दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स। दोबारा पे आते हैं, कैसे मिला स्क्रिप्ट, कैसे आया, व्हाई डिड यू से यस? फनी स्टोरी, दैट्स अ वेरी फनी स्टोरी। अच्छा मैं बताती हूँ, तो मैंने क्या कहते हैं, हम के साथ ज़िवाइश किया था, उसके बाद मेरा हम की तरफ वापसी उस तरीके से नहीं हुई, बिकॉज एआरवाई के और जियो के प्रोजेक्ट्स में कर रही थी और बीच में एक लंबा फास्टा क्वारंटीन की वजह से आ गया था। तो मुझे जब कॉल आई ना, तो उन्होंने कहा कि 7-8 एपिसोड्स का काम है। मैंने कहा 7-8 एपिसोड्स का काम तो मैंने करी, क्या है? तो ना कहते नहीं नहीं आप ने, मैंने कहा अच्छा आप इस तरीके से आप मना नहीं कर सकते कि मोमना तो प्रोडक्शन इतने बड़े प्रोडक्शन है, उसको मना नहीं कर सकते कि मैंने नहीं ये प्रोजेक्ट करना। मैंने कहा डेट्स नहीं है, तो उन्होंने कहा हम डेट्स निकाल देंगे। मैंने कहा अच्छा नहीं वाकई में नहीं है वो, ये देखिए ये अच्छा, मैंने कहा अच्छा डेट्स थे, उन्होंने डेट्स थी, मैंने कहा ये तो बिल्कुल भी नहीं कहता, अच्छा फिर हम ये डेट्स कर लेते हैं, यानी कि वो एंड ऑफ द ईयर तक रहेगा। मैंने कहा क्या लोगे लाइक तक इतने। फिर जब उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी ना, तो फिर डायरेक्टर की कॉल है, दानिश की कॉल है, कहते देखिए सोया ये छोटा कैरेक्टर नहीं है, इट्स अ वेरी सब्सटैंशियल रोल, यू हैव नो आइडिया, एंड आई ट्रीट एवरी कैरेक्टर ऑफ माइंड लाइक इट्स इंपॉर्टेंट। मेरी नज़र में कोई लीड कैरेक्टर नहीं है, कोई सेकंड लीड कैरेक्टर नहीं होता, मेरी नज़र में हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ टीम वर्क, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ट्रस्ट मी, मैंने जो सोचा है ना, मैंने जोया को ही सोचा, मेरे जहन में तुम ही आई। मैं यही पूछने वाली थी कि दानिश साहब का के जहन में आप थी इस कैरेक्टर के लिए। तो when you're wanted by the director na, that's a big compliment. Yes. तो मैंने कहा अच्छा अभी तो मैंने, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी ना, मैंने कहा बेटा स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, तुम्हारा काम बहुत कम है लेकिन स्क्रिप्ट इज अमेजिंग, वन इन अ मिलियन स्क्रिप्ट, बिकॉज स्क्रिप्ट की सेंस अम्मी को ज्यादा है तो मैं उन्हें पढ़वाती हूँ सारी। ओके दैट्स गुड। मैं समझी अब्बू से मशवरा लेती हूँ। अब्बू रामू की तरफ नहीं आते। अच्छा अब्बू तो आजकल मूवीज भी नहीं देखते, अब्बू बस खबरें देखते या नमाजें पढ़ते फिलहाल माशाल्लाह से। तो क्या कहते हैं अबू ने, आई थिंक अबू ने अभी तक सिर्फ मेरा सिर्फ एक शॉट ही देखा, और शॉट देखने के बाद अबू ने ना मुझे कहा कि बेटा आपने जितने भी एक्टर्स आपने देखे हैं जो हैं स्टार्स हैं, आपने उनके अंदर दो चीज़ें कॉमन देखी होंगी। मैंने कहा क्या? कहते एक तो वो आँख नहीं झपकते हैं जितनी आप झपकती हैं, और वो इतना तेज़ नहीं बोलते हैं। वो ठहराव के साथ बोलते हैं और वो आँख नहीं झपकते, वो इतना हिलते नहीं है, तो मैं जल्दी क्यों आ रहे हैं तो वहाँ से। और ये मुझे महमूद असलम साहब ने भी बात की थी, तो मैंने कहा अच्छा सॉरी आई ट्राई टू स्टे स्टिल, ठीक है ना अभी आप हिल सकते हैं। ओके तो दोबारा मुझे ऐसे मिली थी, एंड देन ही वाज लाइक कि मुझे जो तुम जोया असल में हो ना, मुझे वो चाहिए जिस तरीके से बात करती है ना, और तेज तेज ही, वो दी ओनली डायरेक्टर हो सकता है कि तेज बोलो। okay. मैंने कहा आर यू श्योर, क्योंकि डायरेक्टर्स कहते हैं कि बहुत तेज बोल रही हो, ठहराव के साथ बोलो। कहते नो नो मुझे यही जोया चाहिए जो है। कहते इसलिए मेरे जहन में जो है ना ये नरमीन का कैरेक्टर जोया ही है, सो यू हैव टू डू इट। मैंने कहा बस दानिश ने कह दो तो आई हैव टू डू इट, सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट, इट वाजंट चैलेंजिंग एट ऑल, इट वाज द इजीएस्ट कैरेक्टर टू डू विद, एंड बिलाल इज सो नाइस, क्योंकि मैं क्योंकि तेज बोल रही थी, मेरा कैरेक्टर चुलबुला था, तो मेरे कैरेक्टर के साथ उसने अपनी एनर्जी मैच की, और उसके बाद जब हदीका क्याने का जरा ठहरा वाला कैरेक्टर आया, तो उसमें आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, हालांकि इट्स अ कॉन्शियस क्या कहते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम द डायरेक्टर इज वेल, बट कूडोज टू ऑल द एक्टर्स हु अंडरस्टूड दिस, एंड स्पेशली हिम, बिकॉज ही हैड टू वर्क विद टू डायमेंशंस। मेरी अब अलहदा डायमेंशन थी, हदीका जी की अपनी थी, लेकिन मैच तो उसने करना था ना, एंड ही डिड इट वेरी वेल, एंड ही मेड थिंग्स वर्किंग विद हिम वेरी कम्फर्टेबल, अ लॉट ऑफ फन। इवन दानिश ने जो क्रिएटिव फ्रीडम दिया है, और मैं तहसीन को भी दूंगी, तहसीन खान जो हमारे मेरे अपने के डायरेक्टर थे, द क्रिएटिव मार्जिन बोथ ऑफ दीज डायरेक्टर्स गेव इज कमेंडेबल। ओके आई लव वर्किंग विद बोथ ऑफ देम लव्ड इट। तो क्या कहते हैं अच्छा, और एक बहुत मज़े की बात है, मैं बिकॉज हदीका जी के गाने सुन सुन के बड़े दुपट्टा तेरा मलमल का और बूहे बारी हम सुन गए, तो क्या कहते हैं हम तो हदीका जी के साथ मेरा एक ही शॉट है उसके अंदर ना, जिसमें वो रास्ता क्रॉस करना है, तो ना जब वो आती है, मैं पहले से ही बैठी थी, और जिससे आप शासक होते हैं उसके सामने बहुत ही बेवकूफ़ वाली हरकतें करते हैं ना, तो अब हतीका जी आ रही है, अब वो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ी हो गई, अब मैंने कहा मैं ना यूँ करी, मैं यूँ कर रही हूँ कि मैं हाथ में लगी कोनी, मेरा बिलाल पीछे देख रहा, कह रहा हा, मेरे साथ भी यही हुआ था, सो मेरे वेरी ऑब्वियस तो हतीका जी, मैंने कहा आई एम सॉरी आई साउंड रूड और आई लुक रूड बट आई एम जस्ट स्टारस्ट्रक बाय यू, एंड शी इज द मोस्ट हम्बल मोस्ट स्वीटेस्ट ह्यूमन बींग। तो जब शॉर्ट का टाइम आया ना, तो वीर बोथ क्रॉसिंग ईच अदर, लाइक शी इज़ टेकिंग माई प्लेस एक्चुअली, मैं आई एम लीविंग माई प्लेस एंड शी इज़ टेकिंग माई प्लेस इन बिलाल्स लाइफ, एक वो सब एब्स्ट्रैक्ट भी कह रहे ना, बट वी हैव टू लुक टूवर्ड्स माहिर कैरेक्टर ना, माहिर को देखना है हमें बिलाल के कैरेक्टर को, तो आई कैप लुकिंग एट हदीका जी
So we gave like 10 takes because I wouldn't stop looking at her. ये मेरे तो करीब खड़ी मुझे यकीन नहीं आ रहा है मैं के ड्रामे में हूँ. तो that was one of the highlights of my career. So I'm really happy. I'm really happy that I did दोबारा. I can't believe I almost blew it. Yes. तो रिस्पांस कैसा आ रहा है फैंस का? बहुत अच्छा आ रहा है. मैसेजेस क्या आ रहे हैं? I'm really now. जब वो माहिर को रिजेक्ट करती है तब आए गुस्से वाले क्यों किया ये वो है ना बहुत ज्यादा कहते हैं आपको समझ नहीं आती वो बेचारा एक तो आपको डेट पे लेके गया उसको खाने को नहीं मिलता उसने हजार रुपए भी टिप दे दी उसने पूरा खाना भी वो घर ले जा सकता था उसने वेटर को दे दिया वो कितना अच्छा आप उसे आपको उसे सोने के कंगन चाहिए मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए मेरे कैरेक्टर को चाहिए. एंड देन आई डोंट नो अम्मा टीवी में आप देखते हैं कि नहीं देखते तो मुझे अम्मा इज लाइक वुमन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन तो मैंने कहा अम्मा एक तो आप मेरी बैंड बजा रही हैं ऊपर से आप सबके कैरेक्टर्स का नाम ले लेकिन आप मेरा नाम असल लेती हैं. व्हेनेवर शी इज डूइंग अ रिव्यू ना चाहे वो मेरा हम सफर हो जाए चाहे वो दोबारा हो जाए सारों के कैरेक्टर्स के नाम लेंगे लेकिन मुझे जोया कहेंगी मुझे पर्सनल अटैक फील हो रहा है. वो भी सारे बिलाल के फैंस आपको अटैक करना शुरू हो जाएंगे. अल्हम्दुलिल्लाह अटैक कोई नहीं है बस उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों किया मैंने कहा मैंने नहीं किया भाई डायरेक्टर ने करवाया है राइटर ने करवाया क्या हो गया आपको. दानिश नवाज से एज अ डायरेक्टर आपको लगा कि इस प्रोजेक्ट करने से आपने कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा है. क्या सीखा? मूविंग शॉट्स सीखे हैं. वो मूविंग शॉट्स बहुत अच्छे करवाते हैं. एंड देन मैंने जो सीखा ना टाइम हाउ टू स्टिक टू टाइम टाइम में प्रोजेक्ट कैसे वो प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं और उनके सेट में मैंने नहीं देखा कि कोई चीख चिंघाड़ा हुआ हो कोई एक्टर नाराज हुआ हो या कोई लेट हुआ हो या डायरेक्टर खुद गुस्से में आया हो वो तो हंसाते ही रहते हैं बहुत हंसाते हैं और हर एक को इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं वो तो इतनी दफ़ा वो शुक्रिया अदा करते थे मैं खुद शर्मिंदा हो गया मैंने कहा प्लीज़ चुप हो जाता है सब प्लीज़ लेकिन आई रियली वांट टू वर्क विद हिम अगेन. अच्छा मुझे ये बताएं मुझे दो सीन थे एक तो गाड़ी वाला और वो कैसे शूट किया उसमें कोई इंटरेस्टिंग वाक्या है जब वो बैठे होते हैं जब आप अपने कुलीग से गाड़ी लेके जाती हैं इंटरेस्टिंग वाकई है कि वो भी और वो जो खाने वाला है कोई है इंटरेस्टिंग वाकई है कि वो मुझे मैनुअल चलानी नहीं आती वो मैनुअल कार थी. यू हैव नो आइडिया कितनी दफा मैं खाना कार बुढ़ते बुढ़ते बंद हो रही है फिर जाते जाते स्टार्ट हो गया आगे चल पड़ी है बहुत ज्यादा. वैसे आपने शो नहीं किया? जी आपने शो नहीं किया आप इतनी कॉन्फिडेंटली वो बात करते हुए चलाते हुए हमें नजर आए. और खाने का ये था कि आई एम अ फूडी तो प्रॉप्स के लिए जो खाना आता था वो मैं खाते हुए भी खा जाती थी सीन के वक्त पे भी और वैसे भी ना जब लाइटिंग चेंज हो रही तो मैं सारा खत्म कर देती थी दोबारा से उन्हें ऑर्डर करना पड़ता था. तो माहिर को वो जानती है नरमीन फिर भी उसने माहिर का साथ नहीं दिया. देखिए मैं अब नरमीन और अगर वो वाकई ये बिलीव करती है देखिए इसमें अगर आपने एक डायलॉग देखा तो वो कहती है ना कि सोने के कंगन ही है वो तो उसमें आप दिखाएंगे कि माहिर फोन काटने के बाद सोचता है कि इसको तो समझ ही नहीं है कि इसको बताने का क्या फ़ायदा. तो माहिर को उसकी इस तरीके से नरमीन की स्टोरी नहीं पता है. माहिर को कह देना चाहिए कि भाई नहीं हो सकता ऐसा ठीक है ना इतने उसने उससे डिमांड की बेचारे माहिर से उसकी जिंदगी अजाब कर दी. देखिए तो माहिर को कैसे नरमीन की भी तो मजबूरी थी ना नहीं उस रिश्ता लाने पर बोले सोने के कंगन की डिमांड क्यों कर दी. और दूसरी बात है कि उसको माहिर पे अगर यकीन नहीं है तो फिर वो उससे मोहब्बत क्यों कर रही है मतलब उसके माहिर ने जब चोरी की ना उसे मसला था. देखिए माहिर से मोहब्बत तो करती थी लेकिन माहिर ने जब चोरी की आप किसी चोर से कैसे बट आपको इतना तो अंदाजा होगा कि ये शख्स चोरी करेगा या नहीं करेगा. नहीं देखिए नरमीन को मैं जस्टिफाई इस तरीके से करूंगी कि वो भी जॉब करती थी वो भी लाइफ को लेके सीरियसली हो सकता है इनका फिर कॉलेज में स्टार्ट हुआ ठीक है ना जब माहिर प्रॉमिसिंग हो जो कि अब नहीं है तो वो आपने देखा हर बार वो माहिर को ये कह रही जॉब ले लो बाकी मैं संभाल लूंगी क्योंकि अब जमान का रिश्ता आ चुके जिसके पास कार है अच्छी जॉब है. अब वो माँ को अगर चाहती है देखे है तो वो मिडिल क्लास लड़की है ना माँ का कंट्रोल है तो वो ये तो नहीं ना कह सकती कि अम्मी जी मैं माहिर का रिश्ता छोड़ के कांग्रेस से ही शादी करूंगी घर में उसे पता है कि माँ ज़बरदस्ती उधर से शादी कर देगी. तो अगर माहिर कोई ऐसी सॉलिड चीज़ ले आए कि माँ हाँ कह दे बाकी सब मैं संभाल लूँगी वो यही कह रही है ना संभालने का मतलब मैं ही जॉब करूँगी मैं सौ झूठ बोल दूँगी बाकी सब कुछ मैं कर लूँगी इसका बाकी मैं संभालने का मतलब ये है कि तुम बस एक सोने के कंगन ले आओ. लेकिन जब वो चोरी करके लाता है आई मीन इमेजिन पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन कि आप थे तो उसके अपने उसकी माँ के थे वो चोरी तो मेरे हिसाब से नहीं हुई. वो नरमीन को तो नहीं ना पता. हाँ बट नरमीन को चांस तो देना चाहिए था ना उसको. अब वो देख ले चलें कोई मतलब मसला नहीं में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता किसी को जमीन किसी को आसमान नहीं मिलता. नरमीन कैन मेक मिस्टेक्स क्या हो गया मेरे हमसफर. जी मेरे हमसफर. हां समीन का कैरेक्टर जी ग्रे है क्या है इट्स सॉरी अभी ग्रे पे पहुंचा नहीं है
नहीं मुझे तो ग्रेनेस नजर आना शुरू हो गई है इसीलिए मेरा क्वेश्चन है क्योंकि मुझे वो कंप्लीटली अच्छी भी नहीं लगता मतलब कंप्लीटली बहुत बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं लग रही है बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं लग रही है नरमीन एक ऐसा कैरेक्टर है जो समीन इज अ कैरेक्टर हु इज प्रीटी मच इनटू हरसेल्फ वो उसे अपनी पढ़ाई से काम है उसे किसी लाइक ड्रामे में पढ़ने की आपने देखा वो रूमी से भी जानबूझ के पंगा नहीं लेती है नहीं। वो हाला को भी इतना वो इतनी भी नहीं घास डालती लेकिन उसके ऊपर वो जुर्म होता है देख के बर्दाश्त भी नहीं करती उसे मार से बचा लेगी कपड़े भी उसे दे देगी लेकिन बहुत ज़्यादा वो अटैच भी नहीं उससे होती है बिकॉज वो अपने आप को समझती है कि भाई मैं इस घर में सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा रिश्ता हमजा से तय हुआ है तो मैं कुछ हूँ बट शी इज़ नॉट एन ईविल पर्सन She okay. might be selfish, but she wouldn't go out of her way to harm anybody. उसे कोई फजूल के पंगे नहीं लेने किसी फजूल की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है वो अपनी इस चीज़ को अपनी ज़ात को बहुत ऊपर समझती है इन फजूल के पंगों से ठीक है ना वो चाहती है कि अपना उसकी फैमिली भी इसी तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चले इतना मत करें मैं पढ़ रही हूँ ना मैं पढ़ के कर दूँगी कुछ ना कुछ और आप भी मामूली ना रहें तो इस कैरेक्टर में क्या आपको लग रहा था कि इतना पोटेंशियल है कि आप अपना स्किल दिखा सकें कि आपने लिया देखिए मुझे अभी बड़ा ऐसे चलता हुआ लग रहा है कैरेक्टर आगे जाएगा आर्क इसका अ ग्रे कैरेक्टर इज द टफेस्ट वन टू डू आई थिंक समीन हैज़ टू बी माई टफेस्ट कैरेक्टर टू पोर्ट्रे बिकॉज एक जो पॉजिटिव है वो बिल्कुल ही पॉजिटिव उसमें आपने रोना है एक जो नेगेटिव है वो बहुत ज़्यादा लाउड है देयर इज अ लॉट ऑफ मार्जिन फॉर एक्टिंग एंड यू नो डायलॉग डिलीवरी एंड डायलॉग की वेरिएशंस साउंड की वेरिएशंस एक जो नॉन बिल्कुल एक जो सादा सा कैरेक्टर है जो बस बिल्कुल अपनी पढ़ाई में है और जो ज़्यादा ऊंची बात भी नहीं कर रहा है कोई एक्सप्रेशंस भी नहीं दे रहा है वो करना बहुत ही मुश्किल काम है बिकॉज फिर लोग समझते हैं आप नालायक एक्टर हैं सो टू पोर्ट्रे दैट इज़ वेरी वेरी हार्ड फॉर मी बट आगे जाके यू विल सी व्हाट आई तो लग रहा है नेगेटिव हो जाएगा हमजा और हालांकि शादी के बाद मुझे नहीं पता हाँ समीन के तो अरमानों का खून हो सकते वो जाके हमजा की शादी करा रही है आपको क्या पता ओ इंटरेस्टिंग ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था ओके चलें विल सी अच्छा आपने फरहान के साथ हानिया के साथ आहत के साथ बिलाल के साथ इन सब के साथ काम किया हुआ है एक एक चीज़ जो आप हमें इनके बारे में बता सकती हैं कोई इंटरेस्टिंग कोई फन या आपने कोई चीज़ पिक की हो इंस्पायर देखिए द मोस्ट फन टू वर्क ऑन सेट इज़ दानिश तैमूर जिनके साथ मैंने दीवानगी किया था वो हर वक्त हंसाते रहते थे उनसे लाइक आई हैवन टॉक टू हिम एवर सिंस वी आर नॉट फ्रेंड्स ठीक है ना लाइक आई मीन वी कॉर्डियल एंड स्टफ लेकिन ऐसे वो दोस्ती नहीं हुई थी लेकिन ऑन सेट वो इतना हंसाते थे और मेरे सीन थे चीखने चिंघाड़ने वाले और वो बस हंसा रहे हैं जीशान जो डायरेक्टर थे हमारे गॉड ब्लेस हिम वाज अ वेरी गुड इज अ वेरी गुड डायरेक्टर ये दोनों बहुत लाइक इतने चिल माहौल के साथ चलते थे बहुत हंसाते थे बिलाल इज़ अ टीम प्लेयर ही इज़ अ टीम प्लेयर वो क्यों देने के लिए भी खड़ा हो जाता था जो कि उससे ज़रूरत नहीं है कि ही इज़ नॉट इवन इन द कैमरा शोल्डर भी नहीं नज़र आ रहा लेकिन सामने आके खड़े हो जाते थे और पूरी ताकि मेरे रिएक्शन अच्छे निकले And he's very down to earth and दूसरों का एहसास करने वाला हर एक से बात करेगा हर एक का नाम पता है very down to earth guy much respect Farhan is the most serious guy on set मैंने देखा बस अपनी वीडियो गेम्स खेलते रहते आएगा अपनी कार में वीडियो गेम्स खेलेगा सीन दिया फिर वीडियो गेम्स खेली फिर थोड़ा सा खाना खा लिया गुनगुनाते नहीं है सेट पे नहीं सेट पे नहीं गुनगुनाते अच्छा ना बिल्कुल भी नहीं हानिया इज द फनीएस्ट हानिया बहुत हंसाती है वो सेट से सीन से पहले गुदगुदियाँ करना शुरू कर देगी कान में मेरे गाने घुसा देगी फिर उसके एक असिस्टेंट है अयाज भाई जोया को चाहिए कोक ला के दे क्योंकि मेरा तो नहीं है ना कोई बट शी इज द मदर हैन ऑफ आउट ऑफ द थ्री वो सबसे छोटी बनी हुई आई थिंक नहीं रूमी सबसे छोटी बनी हुई है बट she's a very loving and a very caring person matlab us set pe har kisi ke sath maza kar I think wo mujhe baaton se lag raha hai ki wo aaye to bas set pe halchal mach jati hai fun mach jata hai wo bahut hasati hai wo piche pad jati hai wo jo gudgudi karti hai na it's fun to be on set with her jab Hania Neena hoti to mujhe maza nahi aata ahad ke sath hamari serious talk bahut hoti thi okay bahut zyada serious talk hoti thi he's a very intellectual person to उसके साथ हमारी बातें मेरे से बस बातें बहुत होती थी बट दे आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट दे वर जस्ट सो इंटेलेक्चुअल ना क्योंकि ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कनाडा तब मैं नहीं अमेरिका से आई थी तो हम ये बात कर रहे होते थे इधर का और उधर का क्या डिफरेंस है क्या हमें चीज़ें बुरी लग रही हैं क्या हमें चीज़ें अच्छी लग रही हैं लोगों को यहाँ पर क्या नहीं पता है जैसे एक अंकल बैठे हुए थे उन्होंने ऊँची आवाज़ में अपनी फिल्म चला के सुनना शुरू कर दी थी ना आदर मैं कह रहा हूँ दिस इज़ नॉट पोलाइट एक अंकल आए उन्होंने दरवाजा खोला ठा मेरे मुंह पे बंद किया तो आहत देख रहा है बिकॉज़ ये हमें चीजें पाकिस्तानी को रियलाइज नहीं होती हैं लेकिन वो यूं देख रहा है कि ये क्या हुआ है तो इस चीज पे हमारी बॉन्डिंग हुई थी या प्लस अजल इज लाइक अ यंगर सिस्टर ऑफ माइन वी ग्रू अप टुगेदर तो
Oh, you grew up together. Yeah, yeah, okay. Yeah. You, Sajal, Zara, आप लोग friends हैं तीनों का. अच्छा, अच्छी गपशप लगी रहती है आपको. अब मैं थोड़ा उससे दूर हो गई क्योंकि मैं बाहर से ले गई थी, वो ज़्यादा करीब होगी. लेकिन ये है कि जब भी मैं बोलती हूँ, yeah, what's up? Thank you so much for your time, Zoya. Thank you so much for calling me here and giving me your time. नहीं, बड़ा मज़ा आया. आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही और आई रियली होप कि जो हमने सारे टॉपिक्स को टच किया है उससे लोग कुछ ना कुछ उठाएं. मुझे नहीं लगता आपने कोई टॉपिक छोड़ा है. आई थिंक दिस इज द ओनली इंटरव्यू जिसमें मैंने हर टॉपिक कवर किया और बाकी में टाइम का पता नहीं चला. क्योंकि देखिए ये आपका पहला इंटरव्यू था हमारे साथ, तो इसमें तो इसको हम गपशप कहते हैं. अब नेक्स्ट पे जो जो मैंने जिस प्रोजेक्ट की मैंने और आपने बात की ऑफ कैमरा, जो आप अभी शेयर नहीं कर सकती, जो वो आएगा इंशाल्लाह, तो फिर हम कैरेक्टर पे बात करेंगे. उस पे हमारे पास बहुत कुछ बात करने के लिए. ओह माय गॉड, ये तो आपने देख ही लिया होगा. बस हिंट इतनी दे देते हैं कि वो जो लाहौर और पंजाबी वाली बात करी थी ना, वो रिलेटेड होगा उस कैरेक्टर से. तो फिर हम तब उसमें बहुत डिटेल में कैरेक्टर एंड ड्रामा बेस्ड बात करेंगे. अभी तो मुझे लगा और बहुत सी बातें हैं जो हम आपके साथ कर सकते हैं. बात तो बात ही है करने के लिए, और तो कुछ है नहीं, बहुत कुछ है. स्वीट एंड ग्रेट पर्सन, बड़ा आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है, यू नो. आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन. आई हेट ड्रामा, आई हेट नेगेटिविटी. यानी कि मेरा ऑरा ऐसा है कि अगर कोई नेगेटिविटी के साथ एंटर हो जाएगा ना, मुझे पता चल जाता है कि ओह, स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन. सो यू नो, एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी. पॉजिटिव पीपल अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल. ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. एक में आखिरी लेसन, इस प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, इट्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम. नहीं, आप आराम से दें, फिर मैं खत्म करती हूँ. देखिए, मेरा आखिरी जो लोग को कहना वो ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, आप उसे प्रॉब्लम की तरह ट्रीट ना करें. इस प्रॉब्लम इज़ नॉट द प्रॉब्लम, इज़ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम. लाइक अगर आपका एक ड्रेस है जो आपने पहनने और वो ख़राब हो गया, तो कोई बात नहीं. इट कुड बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि ओह माय गॉड, मेरा ड्रेस ख़राब हो गया. या इट कुड बी लाइक, अच्छा, आई जस्ट वेयर समथिंग एल्स, इट्स फाइन, यू नो. That's why I'm a positive person. And we are loving your positivity, Zoya. I'm loving your positivity. Thank you so much and take care, and we wish you all the best for your future projects. Likewise. Thank you so much for having me. God bless you.